नावल्स फ़ार एवर में खुश आमदीद मन माने ना बाय कांता खदीजा ये इसकी तीसरी और आखिरी किस्त है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस किस्त को जो सवाल करूँ उसका सच सच जवाब दीजिएगा कोई आए बाएँ शाएँ नहीं सिर्फ सच वो दोनों मियाँ बीबी के सामने नशीत संभाल चुका था क्या किया है आपने मेरी बीबी के साथ क्या माजी रहा है उसका मुझे सच सच बताइए एक घर एक और इस बार कोई अधूरी कहानी नहीं जिब्रान जो बीत चुका है उसे मत छेड़ो तायरा बेगम ने अल्तजा की मेरी बीवी के माजी में गुजरा एक एक लम्हा मेरे आज और कल से जुड़ा और आप चाहती हैं मैं इस पर बात ना करूं हरगिज़ नहीं मुझे सब कुछ जानना है मत करो जिब्रान प्लीज़ रहम करो तायरा बेगम ने दोबारा इल्तजा की आप रहम करें मुझ पर और बता दें ऐसा क्या हुआ है उसके माजी में जिसने उसे इस नहज पर पहुँचा दिया है आपने सुना था ना उसके उसने क्या कहा मुझे कि वो मेरी कुछ नहीं लगती और ये अल्फाज जब उसने दोहराए तो मैं उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं देखे एक भरम टूटते देखा था ना उम्मीद देखी थी जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी मुझ पर भरोसा न रखे तो बताइए मुझे क्या हुआ था उसके साथ उसे जानने दो तायरा वो का शौर है इसका हक बनता है अरसम अमीन बोले हाइका का पहला शौहर जुल्कर नैन के बारे में नहीं जानना मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं अरसम अमीन बोलना शुरू हुए तो ज़बरान ने उन्हें टोका तो क्या जानना है तुम्हें अरसम अमीन के माथे पर बल पड़े मुझे वो जानना है जो आपके नज़दीक कुछ नहीं है मुझे ये जानना कि अरसम अमीन का हाइका ज़बरान की ज़िंदगी में क्या किरदार था मुझे ये जानना है कि क्यों हाइका अमीन जुल्कर नैन से मोहब्बत की शादी के बावजूद भी उसे पर यकीन ना कर पाई थी आखिर क्या था उसका माजी जो उसे अपनी ज़िंदगी से जुड़े अहम लोगों पर भरोसा करने से रोक देता है एक एक बात एक एक हरफ बिल्कुल शुरुआत से अपने लफ्सों पर जोर दिए उसने सख्त निगाहें दोनों मियाँ बीवी पर टिका ली थी क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का क्या तुम हाइका की सालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो अरसा अमीन गुस्से से झटपट आए मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा अंकल अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगी तो चले मैं अपना सवाल थोड़ा बदल कर पूछता हूँ आपका और हाइका की मदर का आपसी ताल्लुक कैसा था आखिर क्यों हाइका रिश्ते को लेकर इतना टची है आखिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा ना जो वो ऐसी बन गई या वो शुरू से ही ऐसी थी वो शुरू से ऐसी नहीं थी जिब्रान मैं जानती हूँ उसे तायरा बेगम तेज़ी से बोली आपको जिब्रान को सब बता देना चाहिए वो हाइका का शौहर है बेहतर तरीके से उसे हैंडल कर लेगा तायरा बेगम फ़ौर अरसम की जानब मुड़ी अरसम अमीन ने गहरी सांस खारिज की एक नज़र जिब्रान पर डाले वो बोलना शुरू हुए हाइका की माँ सरताज मेरी मामोजाद थी दी तो वो मेरी कज़न मगर अजीब थी वो मुझसे मोहब्बत का दावा करती कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने से पीछे हटती ये नहीं था कि मुझे वो बुरी लगती थी या मैं पहले मोहब्बत का इजहार करने वाली औरतों को बुरा समझता हूँ मगर वो मुझ पर बिना किसी रिश्ते के एक ज़बरदस्ती का हक़ जमाती जो मुझे बिल्कुल पसंद ना था मगर वो मेरे माँ बाप की पसंदीदा थी मेरी ज़िंदगी में भी कोई शामिल ना था तो मैंने माँ बाप की रजामंदी को कबूल किया जरताज को अपना लिया मगर मेरे लिए उसकी मोहब्बत अब पागलपन और जुनून की ऊंचाइयों को छू चुकी थी बात बात पर झगड़े अस्पताल में काम करती फीमेल एम्प्लाइज के लेकर मुझ पर शक करना इन सब ने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि हाइका पर भी बुरा असर दिखाया था कसम खुदा के जिब्रान, ये नहीं था कि मैंने उससे रिश्ते को निभाने की या मौका देने की कोशिश नहीं की मैंने अपना सौ फीसद दिया मगर जरताज का पागलपन काबू में आने को तैयार नहीं था खुद एक साइकेट्रस्ट होकर भी मैं उसकी दिमागी हालत को समझ ना सका मगर मैंने सब कुछ किया अपनी बेटी अपनी हाइका के लिए मैंने अपने करियर को कहीं पीछे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ आ हैप्पी लाइफ मगर जरताज हमारे रिश्ते को लेकर हमेशा शक में मुब्तला रही मैं मजीद उस औरत के साथ नहीं रह सकता था और आठ साल बाद बल आखिर मैंने उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया तायरा हाइका की क्लास टीचर थी हाइका के हवाले से ही हमारी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी ये मुलाकातें कब पसंदीदगी में मोहब्बत में बदल गई इल्म ना हुआ और आखिरकार कहीं सालों बाद मुझे एक ऐसा हम सफ़र मिला जिसकी मैंने हमेशा से तमन्ना की थी ओ तो अब मैं समझा आपने हाइका की मदर को चीट किया खाला अम्मी के लिए और अब आप, आप गिल्टी थे हाइका को लेकर कि वो आपसे नफरत करती है तो मुझे बिल्ली का बली का बकरा बना डाला जिब्रान उनकी बात काट कर बोला ऐसा नहीं है जिब्रान जरताज और मेरी तलाक का तायरा से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही मैंने जरताज को कोई धोखा दिया मैं उसे तायरा के आने से पहले ही अपने फ़ैसले से आगाह कर चुका था और जहाँ तक बात रही मेरी और तुम्हारी खाला अम्मी के रिश्ते के हवाले से तो हाइका को मालूम था इस बारे में वो बहुत खुश थी वो एक समझदार बच्ची थी बस मेरी ज़िंदगी की एक गलती थी जो मैंने उसकी बात मानकर उसे उसकी माँ के पास रहने दिया उन्होंने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया मैंने तुम्हें किसी गिल्ड के सबब हाइका से शादी करने पर फ़ोर्स नहीं किया था हाइका से मेरी मोहब्बत सच्ची और ख़ालिश है सारा से बढ़कर है वो मुझे मैं हमेशा से तुम्हारे लिए हाइका को सोचा था मगर तुम्हें अनीला पसंद थी हाइका की जुर्कन से मोहब्बत भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी मगर फिर सब बदल गया हाइका बदल गई उस बच्ची ने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल झेलियाँ और ऐसे में तुम मुझे वो इंसान लगे जो वाकई उसे ज़िंदगी की वो खुशियाँ दे सके जिन पर उनका हक है इसीलिए कभी भी हाइका को लेकर मेरी नीयत पर शक मत करना ताहिरा बेगम की आंखों में नमी आ गई थी हाइका की मदर का रवैया उसके साथ कैसा था जिब्रान ने गला खनखारे अगला सवाल किया बहुत बुरा नहायत वहशियाना उसने आंखें मूंदी। जब आपको इल्म था तो कुछ किया क्यों नहीं और हाइका को देख तो मैं मान नहीं सकता कि वो आपके खाला अम्मी के रिश्ते को लेकर खुश थी जिब्रान का लहजा नचाते हुए भी तल्ख हो गया था क्योंकि मैं लाइन था हाइका ने कभी अपनी माँ के हवाले से मुझे कुछ बताया ही नहीं और जरताज का रवैया हाइका के साथ हमेशा से अच्छा था वो हाइका से बहुत मोहब्बत करती थी और जहाँ तक आ, बार रही हाइका के रवैये की तो हाइका को उसकी माँ ब्रेन वॉश कर चुकी थी हमारे खिलाफ वो हाइका जो हमारी शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा खुश थी वही हाइका अब ये समझती है कि मेरा और उसकी माँ का रिश्ता शायद तायरा की वजह से ख़त्म हुआ है हाइका मुझसे नफरत करती है क्योंकि वो यही समझती है कि मैंने उसकी माँ को धोखा दिया मगर ऐसा कुछ नहीं है असम अमीन की बात पर जिब्रान ने गहरी सांस भरी मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बाप नहीं बन सका मगर मैं हरगिज बुरा नहीं हूँ उन्होंने सरनफी में लाया आपको हाइका को सारा से माफ़ी मांगने का नहीं कहना चाहिए था अंकल वो भी तब जब आप इस बात से आशना थे कि उसने अपनी मदर को खोया शी लव हर सो मच जिब्रान के कहने पर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी दर आई मैं जानता हूँ और ताउमर इस पर अफसोस रहेगा मुझे उनकी आवाज़ मदम हो गई थी मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए रात काफ़ी हो चुकी है कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अपनी जगह सुटते वो बोले बाकी सब भी अरसम अमीन की तकलीर में निकले थे सारा और सैम कोशिश करना कि तुम लोग अब यहाँ ना हो खास तौर पर तुम सारा मैं मज़ीद तुम दोनों की वजह से अपने घर को ख़राब होते नहीं देख सकता जिब्रान का लहजा हर दर्जा सख्त तो और स्पाट था फिक्र मत करो ये नहीं आएगी तायरा बेगम सारा को गसीली निगाहों से घुरती बोली इन सबको बाहर तक छोड़े अंदर आया पहला रुख बच्चों के कमरों की जानब था बच्चों का सोच कर ही उसका हाथ अपने माथे पर गया जो हल्का सा सूझ गया था धीमे से मुस्कुराया वो कमरे में दाखिल हुआ मगर वहाँ दोनों को ना पर पा उसे झटका लगा फौरन दौड़ अपने कमरे की जानब लगाई दरवाज़ा खोला तो शौक के साथ साथ चेहरे पर सुकून की लहर भी दौड़ी जहाँ आदम पेट के बल पूरे का पूरा हाइका पर सोया हुआ था वहीं मोइज उसके बाजू पर सर रखे अपनी एक टांग उसकी टांग पर रखे सोया हुआ था जिब्रान ने मुस्करा कर उन्हें देखा कमरे का दरवाजा बंद किए वो गेस्ट रूम में जा चुका था गुड मॉर्निंग एवरी वन खुशबू में बसा वो चाचा हाथी आवाज में उन्हें विश किए डाइनिंग टेबल पर आया था मगर जवाब में सिर्फ खामोशी का सामना करना पड़ा उसे हाइका ने जोर से अपना अपना काफी मग टेबल पर पटका था एक नज़र इन तीन संजीदा शक्लों पर डालता वो कंधे का अपना पराठा प्लेट में निकाल चुका था नाश्ता किए उसकी नज़र अचानक वॉल क्लॉक पर गई नौ बज गए टाइम देखकर उसकी आंखें फैली यार मोइज नौ बज गए स्कूल नहीं जाना जिब्रान ने मोइज से सवाल किया मगर जवाब दिए बिना उसने मज़े से नाश्ता किया था मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ जवाब दो जिब्रान ने दोबारा पूछा एक संजीदा मगर घसीली निगाह अपने बाप पर डाले वो दोबारा नाश्ते में मगन हो गया था मामा नाश्ता कर लें फिर हम पार्क में जाएंगे यहाँ बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे झूले भी बहुत मज़ा आएगा मोइज मुस्कुरा कर हाइक से बोला तो जिब्रान को ज़ोरदार खांसी आई उसने हैरत से हाइका को देखा जिसने मुस्कुरा कर सरस पात में लाया मामा ये कायाप कब हुई जिब्रान ने हैरानगी से सवाल किया एक बार फिर उसे कोई जवाब नहीं मिला और सिर्फ हम तीनों जाएंगे कोई अनजान नहीं मोइज ने नापसंदीदा निगाहों से जिब्रान को देखा जिसे शौक़ लगा मैं अनजान हूँ जिबरान ने शौक़ से अपनी जानब उंगली की फिर से कोई जवाब न मिलने पर वो हाइका की जानब उड़ा हाइका मैं अनजान हूँ जिबरान ने हाइका से पूछा अपने बाप से कहो मेरे मुंह न लगे वो गुस्से से बोली कहने की जरूरत नहीं सुन लिया है उन्होंने मोइज ने भी वहीं बैठे कंधे चाहे ये क्या चल रहा है मसला क्या है यूँ क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो मुझे सब जिबरान को अब गुस्सा आने लगा था जवाब क्यों नहीं दे रहे बोलो कुछ आपने हमसे कुछ कहा मोहज ने मसूमियत से सवाल किया तो जिब्रान का दिमाग घूम गया जी आपसे कहा क्या ड्रामा लगा रखा है ये और किस बात पर मुंह बनाया हुआ तुम तीनों ने जिब्रान ने उन तीनों के चेहरों के जानेब इशारा किया था मगर जवाब में फिर से खामोशी मिली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया था क्या को मुझे जवाब देगा जिब्रान ने अब की बार ऊंची आवाज़ की हम अनजान लोगों से बात नहीं करते एक बार फिर मोहित बोला ये क्या अनजान अनजान लगा रखा है मैं बाप हूँ तुम्हारा जिब्रान भड़का आपने अपने रिश्तेदारों की वजह से हमारी मामा को घर छोड़ने का बोला तो आप हमारे लिए अनजान हुए मोएज ने ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की थी मैंने तुम्हारी माँ को कब घर छोड़ने को कहा जिब्रान का मुँह खुला का खुला रह गया इस इल्ज़ाम पर बोलो अब जवाब भी दो मैं झूठों से बात नहीं करता मोएज ने कल इसका जवाब दिया मैंने कब झूठ बोला जिब्रान का ये शरीफ बच्चा आज उसका दिमाग घुमाने पर आया हुआ था आप जूठे हैं कल जब मामा ने खाला नानो की फ़ैमिली को जाने को कहा तो आपने रोक दिया और मामा ने जब कहा वो जा रही हैं तो आपने जाने दिया जूठे आपने हमारी मामा को घर से जाने को बोला इसलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे है ना आदम उसने सिरीलैग खाते आदम से सवाल किया जिसने चम्मच उठा के उसका साथ दिया अब जिब्रान को तमाम कहानी समझ में आई थी एक चोर निगाह अपनी बीवी पर डाली जहाँ गुस्से से ज़्यादा नाराजगी थी बेगम नायत प्यार और मोहब्बत से हाइका को पुकारा जिसने शोला निगाहों से जिबरान को घूरा बेगम बात तो सुने शीरी लहजा अपनाया गया बेगम मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था अब इन बातों का मकसद वैसे भी तुम कल रात ही मुझे बता चुके हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है हाइका ने सर झटका ऐसा नहीं है जिबरान के लहजे में बेबसी दर आई तो कैसा है ऐसा ही है वरना तुम उन्हें जाने को कहते मुझे नहीं वो गुस्से से बोली हाइका किसी वजह के बिना पर ही रोका था मैंने उन्हें अच्छा किस वजह की बिना पर दोनों बाजू सीने पर बांधे उसने आँखें छोटी किए सवाल किया वो वो मैंने डांटा उन्हें हाँ मैं लड़ा तुम्हारे लिए उनको सुनाई बहुत वो ऐसे कैसे मेरी बीवी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर सकते हैं वो भी उसी के घर में जबान लबों पर फेरे वो बोला अच्छा ऐसा किया और मैं कैसे मान लूँ ना तो मैं वहाँ थी और ना ही बच्चे नसरीन थी वहाँ बताइए नसरीन क्या मैंने अंकल को नहीं कहा कि वो गलत है मैंने तो सारा और सैम को भी मना कर दिया कि मेरे घर ना आए वो पूछ लो नसरीन से बेशक जिब्रान ने फौरन नसरीन को पुकारा सच में हाइक ने नसरीन को देखा नसरीन जिसका सर इस बात में हिलने को तैयार था हाइका की वार्निंग पर फौरन उसने सर नफ़ी में हिलाया नहीं मैं तो नहीं थी वहाँ हाइका की वार्निंग का आराम साबित हुई नसरीन खड़े पैर मुकर गई नसरीन जिब्रान को झटका लगा चले मामा देखे मैंने आदम का फेस साफ कर दिया वो ने फखरी अंदाज में अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया मेरा बेटा हाइक ने उसका सर थपका चलो सिर्फ हम तीनों हम तीनों पर जोर दिए वो जिब्रान को जला देने वाली निगाहों से देखती वहां से निकले यार मैं बाप हूं तुम्हारा जिब्रान ने बच्चों की जानब मतव मुंह बनाता आगे बढ़ा जिब्रान ने आदम की जानब आंखें पटपटाए देखा आदम मुस्कुराया बाप की जानब हाथ बढ़ाए जिब्रान का सीना खुशी से फूला उसने मोहब्बत से आदम को बाहों में उठाया मगर ये क्या अगले ही लम्हे आदम का मुकल जिब्रान की आंख को सलामी दे चुका था आह जिब्रान चिल्लाया फौरन आदम को ज़मीन पर छोड़ा जब घसीली निगाहों से बाप को घूर रहा था चलो आदम हमारी मामा वेट कर रही है हमारा आदम का हाथ धामे मोईस बोला माँ के कुछ लग तो भूलो मत मैं ना होता तो ये माँ भी ना होती गज़ब खुदा का कल की आई माँ की खातिर बरसों पुराना बाप छोड़ रहे हो ये जो इतनी मामा मामा लगा रखी है ना मेरी वजह से मिली है ये मामा तुम ना शुक्रों को ना शुक्री औलाद जिबान इमोशनल होता ऊंची आवाज़ में चला मगर जबान को ब्रेक लगी जब स्पाट चेहरा लिए हाइक को अपनी जानब देख उसके हाथ पैर फूले वो बेगम वो मैं तो जबान को ताले लगे ज़िब्रान के नज़दीक टेबल पर मौजूद अपना मोबाइल उठाए का ये जा वो जा थी कब से रुकी हुई सांस है ज़िब्रान की बहाड़ी इसको अभी ना मनाया तो पूरी जिंदगी जलील होना पड़ेगा ज़िब्रान अकेला मत छोड़ी इन दो गद्दारों के साथ खुद से बुड़बुड़ाए वो भी उनके पीछे भागे चले मामा आदिम को बेबी सीट पर बिठाया था हाइका ने मोइज भी उसके साथ ही पीछे बैठ चुका था जब वो हाइका से बोला सर हिलाया हाइका ड्राइविंग सीट पर बड़े जवान हुई गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही जिब्रान फ्रंट सीट संभाल चुका था हाइका ने चौंक कर जबकि मोइज ने गुस्से से उसे देखा आप यहाँ क्या कर रहे हैं मोइज ने सवाल किया क्या मतलब क्या कर रहा हूँ साथ जा रहा हूँ तुम लोगों के जिब्रान ने तेज़ी से सीट बेल्ट बांध बांधी जी नहीं आप कहीं नहीं जा रहे हम आपको कहीं नहीं लेकर जा रहे वो इस चटक कर बोला तुमसे इजाज़त मांग कर जाऊँगा जिबरान ने भी उसी अंदाज़ में जवाब दिया फजूल के ड्रामे मत करो जिब्रान और गाड़ी से उतरो बच्चों के पार्क में तुम्हारा कोई काम नहीं तो तुम्हारा भी नहीं है आइडिया बच्चों को नसरीन के साथ भेज देते हैं खुद मैं मेरी बेगम और लॉन्ग ड्राइव क्या ख्याल है जिब्रान के होंड मशरक़ से मग़रब तक फैले गाड़ी से उतरो फ़ौर हाइकर ने आंखों के ज़रिए इशारा किया नहीं उतरूँगा बिल्कुल भी नहीं जो जी में आए करके देख लो दोनों पाँव ऊपर उठाए उसने कस कर सीट बेल्ट थाम ली थी उसकी जिद पर घुटने टेके वो गाड़ी स्टार्ट किए रास्ते पर निकाल चुकी थी तिरछी निगाह अपने शोहर पर डाली जो फ्रंट मिरर में नजर आते मोइज को बार बार जबान चिढ़ाई जा रहा था और मईज के माथे पर नन्हे बल मजीद गहरे होते जा रहे थे सर झटके बामुश्किल हाइका ने अपनी मुस्कान रोकी थी पार्क में दाखिल होते हुए मोइज हाइका की जानी मुड़ा जिसकी बाहू में आदम था जबकि जबरान पीछे पीछे ही था उसके मैं झूले लेने जा रहा हूँ मामा अगर ये आपको तंग करे तो मुझे बताइएगा ओके वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए छोटी आँखों से ज़बरान को घूरता स्लाइड्स की जाने भागा था शोर मामा की जान वो मुस्कराई उसके पीछे उनकी आवाज़ में बोली मामा की जान ये कल की ताज़ा ताज़ा औलाद मामा की जान बन गया और मैं कहीं माँ पुराना शोहर अभी तक जाने जहाँ न बन सका खुद गर्ज औरत वो बुढ़ बुड़ाया मगर हाइक साफ सुन सकी मुस्कुराहट तबाह वो आगे बढ़ी जिब्रान भी साई की तरह उसके पीछे पीछे रहा आदम को यूं ही गोद में लिए वो एक बेंच पर आ बैठी थी जहाँ सामने से मुई इसको बासानी खेलते वो देख सकती थी जिब्रान भी साथ आन बैठा गला खुन खारे उसने हाइका को मतवह करना चाहा जिसने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज़ किया बेगम मीठा शीरी लहजा अपनाया गया मगर कोई जवाब नहीं बेगम वो मैं इससे पहले जिब्रान कुछ बोल पाता आदम अपनी ज़बान में बिल्ली की जानब इशारा किया और हाइका से बातें करना शुरू हो गया था जिब्रान ने सब्र किया कुछ लमों बाद वो खामोश हुआ जिब्रान को अपनी बात कहने का मौका मिला गला खनखारे दोबारा हाइका को अपनी जानब मतवजा किया बेगम में कह रहा था एक बार फिर आदम बोल उठा इस बार उसने खुशी से चैकते गुलहरी की जानब अपनी छोटी उंगली की जिस पर हाइका उसे गुलहरी के बारे में बात करने लग गई थी जिब्रान ने आंखी छोटी की अपने इस फितने सपूत को घूरा जो शायद जानबूझ कर उसके और उसकी बीवी के मुबैन ताल्लुक बेहतर नहीं होने दे रहा था कुछ लम्हों बाद वो फिर से खामोश हुआ जिब्रान ने चंद लम्हे इंतज़ार किया आदम कुछ न बोला बस मगन सा आसमान को देखे गया जिब्रान को फिर से मौका मिला बेगम मैं कह रहा था कि और एक बार फिर खुशी से चींक मारे आदम ने आसमान पर उठते कौबे की जानब उंगली उठाई जिब्रान गुस्सा पी कर रह गया आदम उसे हाइका से बात करने का मौका कोई नहीं दे रहा था मगर हद तो तब हुई जब जिब्रान ने हाइका का हाथ थामना चाहा। मगर आदम पहले ही उस हाथ पर अपना छोटा हाथ मज़े से रख चुका था यार इसे तो दफ़ा करो यहाँ से वो गुस्से और बेबसी से चलाया हाइका सख्त निगाहों से जिबरान को घूरा गुस्से की आग तो आदम की आंखों में भी भड़क उठी थी घुड़ना बंद करो और इसे निकालो यहाँ से वो ज़बरदस्ती हाइका के गोद से मचलते आदम को उठाता ज़मीन पर बिठाए खुद तेज़ी से हाइका के साथ चिपक कर बैठ चुका था क्या हुआ मामा क्या ये आपको तंग कर रहे हैं मोई तेज़ी से वहाँ दौड़ आया हाँ कर रहा हूँ तंग बीवी है मेरी कर सकता हूँ तंग तुम्हें क्यों मसला जिब्रान उस पर गुस्से से भरसा हाइका ने बार बार तेज़ी से आंखें नीचे शख्स को देखा जो उसकी खातिर अपनी सगी औलाद पर भड़क रहा था बेशक वो गुस्सा ना था मगर उसकी खातिर वो भी सगी औलाद पर क्या वो इतनी अहम थी उसके लिए आप मेरे मामा को ऐसे तंग नहीं कर सकते चले मामा यहाँ से मोइज ने आगे बढ़कर उसका दूसरा हाथ माँ जिब्रान से निगाहें हटाए उसने मोइज को देखा जो उसकी खातिर अपने बाप से लड़ा था सुतीली माँ की खातिर सगे बाप से लड़ रहा था उसकी खातिर क्या वो वाकई इतनी अहम थी क्या वाकई ये सब उसके लिए था दुनिया में कोई ऐसा वजूद था जो उससे मोहब्बत का दावेदार था हाँ इन दोनों से पहले भी बहुत से लोग उससे मोहब्बत के दावेदार थे उसकी नैनी जैरी तायरा बेगम मगर कभी भी उसके दिल ने उनकी मोहब्बत को अपने लिए यूँ महसूस ना किया जैसे अब कर रही थी यूँ जैसे उसके वजूद का गुम हिस्सा उसे मिल चुका हो जैसे बरसों से अंगारों पर जलते दिल को ठंडक पहुँची हो चले मामा मेरी बीवी कहीं नहीं जा रही अपने भाई को पकड़ो और बेटा तुम निकलो यहाँ से जिब्रान भोज के हाथ से उसका हाथ निकाले दोनों हाथ थाम चुका था आयिका ने लबों पर मैं जल्दी मुस्कुराहट और आंखों में दरा इन को छुपाया मामा बेगम दोनों बाप बेटा उसके सर हो लिए मोय आदम के साथ जाओ मैं ठीक हूँ हाइका की जबान से अदा होने वाले लफ्जों पर जबरान का जी चाह खुशी से झूम उठे गर्दन अकड़ाए उसने दोनों बेटों को देखा जो माँ का कहना मानते बाप को घूरते वहां से निकल चुके थे बेगम जिब्रान मुस्कुराता उसके करीब हुआ अपनी जबान बंद ही रखो तो बेहतर होगा हाइका मसनू गुस्से से बढ़ गई और बस भी करो बेगम मान जाओ ना उसके कंधे पर सर रखे वो आंखें मुंदे बोला था जिब्रान की इस कदर नज़दीकी पर आज पहली बार हाइका जिब्रान पजल हुई थी आज पहली बार दिल की धड़कनों को मुंतशिर पाया था थूक निकले गहरी सांस ली उसने तेज़ होती धड़कनों को काबू करना चाहा था तुम्हारा दिल उसकी धड़कन बहुत तेज़ है तबीयत ठीक है, है तुम्हारी जिब्र ने फिक्रमंदी से उसके माथे पर हाथ रखा हायका ने तेज़ी से सरस बात में लाया आर यू श्योर जिब्रान के चेहरे पर मौजूद फिक्रमंदी के सार मजीद गहरे हुए मैं ठीक हूँ जिब्रान उसका माथा उसका हाथ माथे से हटाए गहरी सांस ख़ारिज के वो मुस्कुराई और उसके कंधे पर सर रख दिया पक्का हम्म उसने सरे लाया हाइक मुझे तुमसे बात करनी है चल नमो की खामोशी के बाद वो बोला अगर कल के हवाले से करनी है तो मत करना हाइका ने नरमी से इनकार किया करनी है मगर इस हवाले से नहीं जो तुम सोच रही हो तुम्हारी मदर के हवाले से तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की हाइका मुझे बुला लिया होता नरमी से उसके बालों में हाथ चलाए वो बोला क्या तुम आते हाइका ने बेयकीनी से सवाल किया बिल्कुल हाइका ने मुस्कुराकर कर सर नफी में लाया तुम नहीं आते मैं क्यों नहीं आता हाइका जिब्रान ने नरमी से सवाल किया क्योंकि वो तुम्हारी खाला अम्मी की सौतन थी तुम क्यों आते अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ की उंगलियों से वो खेलने लगे वो मेरी हाइका की माँ थी मैं ज़रूर आता मेरी हाइका हाइका जिब्रान का दिल एक बार फिर ज़ोरों से धड़का मगर मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी जिनकी थी वो नहीं आए जिब्रान को इस आवाज़ में नमी महसूस हुई काश कि तुम्हारी जरूरत मैं होता सर पर दौड़ा चलाता वो मुस्कुरा कर बोला तो हाइका हंस दी जोरों का गुलाम वो हंस कर बोली सिर्फ अपने जोरों का मुस्कुराकर उसके कान में सरगोशी की हाइका मुस्कराई मुस्कुराते हुए सामने देखा जहाँ बेंच पर बैठी दो लड़कियां उन्हें देख कर हंसती एक दूसरे के कान में सरगोशी कर रही थी हाइका होश की दुनिया में लौटी तेज़ी से जिब्रान से पीछे हुई जबरान ने चौंक कर उसके इस अमल को देखा और फिर सामने बैठी दोनों लड़कियों को उन्हें समायल पास किए वो हाइका के कंधे पर हाथ रखता उसे अपने क़रीब कर चुका था दोबारा जिब्रान वो देख रही हैं हाइका मुनमनाई जिब्रान ने हैर से अपनी बीवी को देखा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा मेरी लेडी दुबंग छुई मुई लड़की कब से बनी चिपरान की बात पर हाइक ने उसे गुस्से से देखा जिस पर वो दिल खोल कर अंस दिया था देखने दो ने और सोचने दो कहीं ऐसा कौन सा अमल कर दिया इस आम सी लड़की ने जो ये शजादो जैसी आन बान रखने वाला लड़का यूं इसके इश्त में गिरफ्तार हो चुका है अपने दिल पर हाथ रख के एक अदा से बोला क्या तुमने अभी अभी मुझसे इजहार मोहब्बत किया है हाइक ने उसका मजाक उड़ाना चाह हाँ किया है कहो तो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूँ जिब्रान के की आंखों में जलती मोहब्बत की रोशनी पर हाइका शौक हुए मैं मज़ाक कर रही थी मगर मैं नहीं कर रहा उसके गाल को हल्के से छुआ जबरान ने हाइका के गालों का रंग तेज़ी से बदला ये तुमने लड़का किसको कहा अंकल हो पूरे के पूरे और शहजादे कब से बन गए तुम बात बदली हाइका ने उसके बाद बदलने पर जबरान सर झुकाए हंस दिया बदतमीज़ इंसान हाइका ने मुंह बनाया उसके शाने पर मुक्का जुड़ा था जिबरान की हंसी मजीद गहरी हुई ज़िबरान वो चिलई जी बेगम इतनी ही मोहब्बत से सवाल हुआ बहुत बदतमीज़ हो तुम वो मुंह बनाए बोली कितना बदतमीज़ उसके कान में सरगोशी ने अंदाज में सवाल किया जब अब मार खाओगे तुम वो गुस्से से चिले हाँ कैसी बीवी हो तुम इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर पर हाथ उठाओगे हाइका बेगम आहत अफसोस की बात है वैसे उसने अफसोस से सर नफ़ी में लाया मगर होंठों पर मचलती मुस्कुराहट कायम उदायम रही मामा आदम को मना करे मुझे तंग कर रहा है हाइक कोई जवाब देती इससे पहले मोइज ने उसे पुकारा हाइका ने मोइज की जानब देखा जो स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था मगर आदम ने ज़ोर से उसका पाँव थाम रखा था बात नहीं करना अब तुम मुझसे ज़िब्रान को उंगली दिखाए वो गुस्से से वहां से उठ के जा चुकी थी अरे बेगम बेगम बात तो सुनिए बेगम जाने जहाँ वो ऊँची आवाज़ में मुस्कुरा कर बोला सामने बेंच पर बैठी दोनों लड़कियां हाइका के पास से गुजरती खिलखिलाकर हंसती थी हाइका ने मुड़कर घसीली निगाहों से जबरान को घूरा जिसने आंख दबाए उसे मंजिली मुस्कुराहट से नवाजा था कमीना बुढ़ वो दोनों बच्चों की जानी बढ़ी थी पूरा दिन साथ गुजारे मगरिब के वक्त उनकी घर वापसी हुई थी आयका ने गाड़ी से उतरना चाहा मगर जिब्रान उसे रोक चुका था यही रहना बाहर मत आना वो उसे मना किए दोनों बच्चों को साथ ही अंदर जा चुका था हाइका गाड़ी में बैठी उसका इंतजार करने लगी पाँच मिनट बाद वो वापस आता गाड़ी बाहर को निकाल चुका था हम कहाँ जा रहे हैं और बच्चे हाइका एकदम चौंकी लॉन्ग ड्राइव पर और बच्चे नसरी संभाल लेगी मजे से गाड़ी ड्राइव किए वो बोला मगर फिर भी बच्चों को यूँ अकेले छोड़ना पहले भी तो छोड़ा है पहले की बात और थी तब तुम्हारे वो रिश्तेदार आ जाते थे इशारा सारा और सैम की जानब था तुम्हारा मतलब तुम्हारे बहन भाई शिबरान ने मुस्कुराकर कर पूछा मेरा मतलब तुम्हारे कज़न्स हाइक कलाजा यकदम बदला अगर वो तुम्हारे कुछ नहीं तो मेरे भी नहीं उसकी जानब झुके वो मज़े से बोला बात सुनो तबियत ठीक है तुम्हारी होश में हो कहीं पी वी तो नहीं रखी सुबह से बह बाते की बातें किए जा रहे हो हाइक ने मशकोक निगाहों से उसे देखा बहक तो गए हैं हम मगर आपके इश्क के खुमार में एक बार फिर वो उसकी जानब झुका तमीज़ से गाड़ी चलाओ हाइका ने सड़क की जानब उंगली की जिस पर शराफत का मुजाहरा किए जबरान ने गाड़ी चलाई थी थोड़ी देर बाद वो एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोक चुका था अपना ऑर्डर दिए वो दोनों सबसे आखिर में मौजूद ग्लास बॉल के साथ ही टेबल पर आ बैठे इधर उधर की बातें किए उनका ऑर्डर आ चुका था हाइका आइसक्रीम खाने में मगन थी जब जबरान ने गला खन उसे मतवज किया हमें बात करनी है हाइका उसने बात का आगाज़ किया हम तब से बातें ही तो कर रहे हैं जिब्रान मुस्कुरा उसने आइसक्रीम का चम्मच लबों से लगाया हमें कल रात के हवाले से बात करनी है हाइका हाइका ने चौंक कर उसे देखा कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह से उठी वो वहाँ से जाने को थी कि जबरान उसकी कलाई थ में प्लीज़ हाइका मैंने कहा था मुझे उस हवाले से कोई बात नहीं करनी मुझे उन लोगों से जुड़ी किसी बात का तस्करा नहीं चाहिए हाइका की आंखें नम हुई और अगर मैं कहूँ इसका तल्लु हमसे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगाऊँ आयका हमारे इस रिश्ते को मुकम्मल ईमानदारी और मोहब्बत से निभाना चाहता हूँ मगर इसके लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना ज़रूरी है आयका मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माजी मुझसे शेयर करो ताकि तुम्हारा मुस्कबिल संवारने की वजह बन सकूँ मैं तुम्हारे डैड ने तुम्हारा माज़ी मुझसे शेयर किया मगर मुझे उस पर यकीन नहीं है तुम्हारे माजी की ज़िंदगी में एक लंबा अरसा वो शामिल नहीं थे ऐसे में जो कुछ उन्होंने मुझसे शेयर किया है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता बताओ हाइका करोगी ना भरोसा मुझ पर जबरान ने मान से सवाल किया मुश्किल है लबों पर जबान फेरे वो नजरें चुराए बोली नामुमकिन तो नहीं ना ज़िबरान मुस्कुराया जबरान उसे अरसा अमिन की सुनाई गई कहानी अरफ़ बहरफ सुना चुका था हाइका के लबों पर मुस्कुराहट मचली इसमें ज़रा सा भी झूठ शामिल नहीं ज़बरान डैड ने जो कहा सच कहा है मेरी मामा वाकई में एक ज़ैनी मरीजा थी मेरे बाप की खुशियों की दुश्मन यह भी सच है कि मेरी मामा ने ब्रेन वॉश किया था मुझे वहीं थी जिनकी वजह से मुझे तुम्हारी खाला अम्मी से नफरत होने लगी मैं उन्हें अपनी हैप्पी फैमिली का कातिल समझने लगी ना वो एक अच्छी औरत थी ना अच्छी बीवी और ना ही अच्छी माँ फिर भी तुमने उन्हें चुना अपने डैड पर क्यों हाइका मोहब्बत मैं उन दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी जिब्रान डैड को अपनी खुशी मिल चुकी थी वो खुश थे मगर मामा उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं था जिब्रान मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी हाइका के सवाल पर जिब्रान की जबान कुछ भी बोल ना सकी जिब्रान की आंखों में क्या कुछ न था अपनी बीवी के लिए मोहब्बत मान सब ज़बात थे तुम्हारी मदर तुम्हें मारती थी हाइक तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया जिब्रान के सवाल पर वो माजी की याद में जा पहुँची मामा हाइक ने रोती हुई माँ को पुकारा हाइक मेरी जान आई एम सॉरी मामा का बच्चा मामा ने तुम्हें फिर से मारा मगर मैं क्या करूँ हाइका मैं नहीं रख पाती खुद पर कंट्रोल तुम तुम अपने बाप को मत बताना हाइका वो छीन लेगा तुम्हें मुझसे मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती जरताज हाइका को ज़ोर से ख़ुद में भेज चुकी थी नो मामा मैं डैड को नहीं बताऊंगी आप मत रोए हाइका ने मोहब्बत से जरताज के आंसू साफ किए थे मेरी जान जरताज उसे गले से लगा चुकी थी तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए था हाइका वो मुझे ले जाते जिब्रान मैं मामा को नहीं छोड़ सकती थी हाइका ने कंधे चुकाए अब चलें चल हमें मजीद बातें करने के बाद हाइका बोली जिब्रान ने सर हिलाया पेमेंट किए वो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लिए घर को रवाना हुए तुम ऐसा करो ये लेकर जाओ मैं अभी आया उसे आइसक्रीम थमाई जिब्रान ने तुम कहाँ चले हाइक ने सवा चौंक कर सवाल किया ऑफ़िस का अर्जेंट काम है बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा जिबरान ने जवाब दिया इस वक्त हाइक ने घड़ी को देखा इशा का वक्त हो चुका था हाँ ज़रूरी है फिक्र मत करो ग्यारह बजे से पहले आ जाऊँगा जबरान ने उसे तसली दी ध्यान से जाना हाइका की फिक्र पर मुस्कुरा दिया तुम दुआ करना हंस कर बोलता वो गाड़ी रिवर्स किए जा चुका था मुस्कुराए हाइका ने सर नफी में लाया और अंदर को कदम बढ़ाए मामा क्या हो गया है आपको क्यों इग्नोर कर करनी हैं आप मुझे सारा ने सवाल किया था तायरा बेगम का इग्नोर करना उसे बुरी तरह से खुल रहा था जैसे तुम वजह नहीं जानती मुझे सच बताओ सारा इन बाप बेटी के दरम्यान में लड़ाई डलवा कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें मसला क्या है तुम्हारा आयका से वो उस पर बरसी पहले तो आप मुझे बताइए आपकी सगी औलाद कौन है मैं या वो हाइका जब देखे हाइका हाइका तंग आ गई हूँ मैं उससे सारा अस्सलाम अलैकुम जिब्रान ने सलाम किया वालेकुम अस्सलाम जिब्रान तुम यहाँ इस वक्त हाइका और बच्चे साथ आए हैं तायरा बेगम ने फौरन पीछे निगाह दुराई नहीं अकेला आया हूँ अंकल घर पर हैं उसने सवाल किया हाँ अपने रूम में है वो बात करनी है उनसे मुझे आप भी साथ आइए सारा पन्ना पसंदीदा निगाह डाले वो ने पीछे आने का इशारा किया आगे बढ़ा तुम्हारा दिमाग तो मैं आकर ठिकाने लगाती हूँ वो सारा को घूरती कमरे की जाने चल दी जिब्रान तुम यहाँ और साम अमीन उसे वहाँ पाकर चौंके जी अंकल मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करनी है आपसे वो उनके सामने नशीत संभाल चुका था क्या बात बात क्या बस ये समझ लें कि रियलिटी रे, रे चेक देने आया हूँ आपको उसके चेहरे के तसरात हर दर्जा संजीदा थे हाँ मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी कॉल पर बात की उसने गाड़ी सैम बिला के बाहर रोकी थी हाइक को एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस हवाले से डिजाइनर की एक अहम फाइल थी जो सैम बिला में छोड़ आई थी वो और अब वहीं लेने वो वहाँ मौजूद थी जिब्रान के जाते ही उसे वानिया की कॉल आई थी वो इस वक्त यहाँ आना नहीं चाहती थी बच्चों को छोड़कर मगर वो उस पार्टी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी सुबह सवेरे उसकी मीटिंग थी और रूट बिल्कुल मख्तलि था वो पहले सेम बिला आकर मीटिंग अटेंड करने जाती तो देर हो जाती इसीलिए इस वक्त वो फाइल लेने आ पहुंची थी मगर ड्राइव बे में मौजूद जिब्रान की गाड़ी देखकर वो चौंकी थी जिब्रान को तो ऑफिस में एक अहम काम था तो इसकी गाड़ी यहाँ क्या वो उससे कुछ छुपा रहा था मगर क्या क्या जबरान आया है उसने चौकीदार से सवाल किया जिसने सरस बात में इलाज जवाब दिया था ओह बहुवे है वो अंदर दाखिल हुई पहला सामना सारा से हुआ जिसे देखकर वो मुस्कुराई और अपना गाल खुजाए उसे चिड़ाया सारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ उसने अपने इस गाल पर हाथ रखा जहां हाइका ने दो बार उसे थप्पड़ मारे थे अपने कमरे में दाखिल हुए हाइका के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ उसके जाने के बाद भी कमरा वैसा ही था हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी कबर की ड्रा में से फाइल निकाले वो कमरे से बाहर निकले इरादा अब सीधा घर जाने का था मगर तजस्स के मारे उसने मौजूद नौकरानी को मुखातिब किया सुनो जिब्रान सर कहाँ हैं सारा को नज़रअंदाज किया उसने सवाल किया वो अरसम सर के रूम में है आम लहजे में उसने जवाब दिया था सर हिल हाइका उनके रूम की जानी बड़ी थी मगर जो अल्फाज उसे सुनने को मिले थे उसके कदम ज़मीन पर जम गए थे सर झुकाए जिब्रान ने गहरी सांस ख़ारिज की और सर नफी में हिलाया आप और जुलकर दोनों ही इससे मोहब्बत के दावदार थे दोनों ने एक अरसा उसके साथ गुजारा एक आप जो उसके बाप के अहदे पर फाइज हैं हाइक के इस दुनिया में आने की वजह है और दूसरा वो जो उसके साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत ताल्लुक़ में था जो शादी से चार साल पहले से उसे जानता था मगर फिर भी आप दोनों से समझ नहीं पाए नहीं समझ पाए उसकी साइकी को समझ नहीं पाए कि वो मोहब्बत और वक्त की तरसी हुई है चले झुलकर नैन को दफ़ा करें मगर आप आप बाप थे उसके बाप ना सही एक साइकेट्रिस्ट होकर भी उसकी दिमागी हालत को समझ नहीं पाया आप ठीक है मान लिया कि हाइका की मदर एक बुरी औरत थी मगर अच्छे बाप तो आप भी नहीं बन सके उसके लहजे में कड़वाहट दर आए जिब्रान क्या जिब्रान खलाम्मी हाइक को मेरी ज़िंदगी में आए चंद माह हुए मैं उसे समझ गया अरे मुझे छोड़ो मेरे बच्चे समझ गए डेढ़ साल का आदम समझ गया कि जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो है अपनों का वक्त और मोहब्बत हम समझ गए मगर ये नहीं समझ पाए और रिश्ता क्या है इनका खुद को बाप कहते हैं उसका नजर तारा बेगम पर जबकि उंगली अरसम अमीन पर उठाई थी उसने डॉक्टर अरसम अमीन इस शहर के सबसे बड़े नयाब और माया नाज साइकेट्रिस्ट जिनकी अपनी बेटी मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं आप अपनी औलाद को समझ नहीं पाए तो दूसरों का क्या खाक इलाज किया होगा आपने छः साल छः साल वो इस घर में इस छत तले आपके साथ रही मगर कभी जानने की कोशिश की कि को वो किस कब

उनकी आवाज़ ऊंची हुई आवाज़ ऊंची कर देने से सच बदल नहीं जाएगा और सच यही है आपने कभी हाइका को अपनी औलाद नहीं समझा आपने हमेशा उसे पहले जरताज आंटी की बेटी समझा फिर अपनी जरताज आंटी का बदला आपने हाइका से लिया अपने भांजे की जबान बंद करवाओ बकवास किए जा रहा है उतारा बेगम से बोले जिब्राहन तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो तायरा बेगम ने उसे झिड़का मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है छः साल अंकल छः साल आपकी बेटी आपके पास रही जब वो आपके पास आई तो अपनी मोहब्बत अपना बच्चा सब खो कर आई तब क्या किया आपने क्या कि आपने आगे बढ़कर उसे गले लगाया उसे दिलासा दिया कि आप हैं उसके साथ अगर यहीं उसकी जगह सहारा होती तो सारा को बीच में मत लाओ जिब्रान जोलकर नैन हाइक की मोहब्बत था मैंने उसे वार्न किया था कि वो अच्छा इंसान नहीं मगर तब उस पर मोहब्बत का भूत सवार था उसने अपना किया था सारा के जिक्र पर वो भड़के जिब्रान हंस दिया तनजियांसी जोलकर नैन एक अच्छा शख्स नहीं था आपने हाइका को वार्न किया था सीरियसली वार्न किया था एक शख्स जो आपकी बेटी के काबिल नहीं उस पर आपने अपनी बेटी को सिर्फ वार्न किया उसे रोका नहीं कि मत करो उस इंसान से शादी अगर हाइका की जगह सारा होती तब भी आपसे सिर्फ वॉन करते सारा को रोकते नहीं चिबरा ने अफसोस से उन्हें देखा इस ख़बर पर ताहरा बेगम ने भी हैरानगी से अपने शोहर को देखा वो जानते थे वो गलत है मगर एतराफ़ नहीं कर रहे थे मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर तब वो अपनी माँ की बातों के ज़ेर असर थी उसे लगता था कि मैं उसके साथ मुनसफ़ नहीं और यह तुम बार बार सारा को बीच में ला कर साबित क्या करना चाहते हो वो गुस्सा हुए मैं सारा को बीच में नहीं ला रहा उसे हमेशा आप लाए हैं नौ साल से लेकर पंद्रह साल की हाइका की बर्थडे पार्टी तक न जाने की वजह हमेशा वही तो रही है सीरियसली बर्थडे पार्टी हाइका ने क्या ऑल फॉल बकवास की है तुमसे तुम जानते हो भी हो उस बर्थडे पार्टी पर ना जाने की वजह सारा बुखार से तड़प रही थी मर जाती वो हर साल हर साल बुखार हो जाता था आपकी सारा को नहीं हर साल ऐसा नहीं होता था कभी सारा को प्ले लैंड जाना होता तो कभी सारा आपके साथ सोने की जिद करती कभी उसे मैकडोनल्ड जाना होता तो कभी कुछ और आप हर बार उसकी बातें मानकर हाइका को नज़रअंदाज कर देते आपने हमेशा सारा को हाइका पर तरजीह दी और देते भी क्यों ना आपकी महबूब बीवी की औलाद जो ठहरी हाइका कौन थी एक ज़बरदस्ती मुसलत की गई औरत के बातिन से पैदा होने वाली औलाद मुझे तो शक है कि आपने कभी उसे अपनी औलाद माना भी कि नहीं जिब्रान वो धाड़े क्या जिब्रान अरे सारा तो बस एक बार बीमार हुई मरी नहीं थी वो और आपकी पूरी दुनिया लुटने को थी और वो जो इतने सालों से रोज़ मर रही थी उसका कभी ख्याल नहीं आया जहन में कभी सोचा कि वो किस अजियत किस तकलीफ़ में होगी क्या कुछ नहीं खोया उसने अपनी ज़िंदगी में आप जानते थे कि आपकी बीवी पागल है मगर फिर भी आपने अपनी बेटी को उस औरत के पास रहने दिया वो हाइका को मारती पीटती मगर आपको खबर नहीं कैसे नहीं हुई आप इसलिए लायम नहीं थे कि हाइका ने कुछ बताया नहीं आप इसलिए लायम रहे क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कोशिश करनी ही क्यों थी आप तो खुश थे ना अपनी बीवी और बच्चों के साथ तो हाइका का क्या वो जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है ठीक कह रहा हूँ ना मैं उसने गहरी सांस भरी उसने कभी आपसे इसलिए नफरत नहीं की कि आपने उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली आप दोनों की शादी से उसे कोई मसला नहीं था अगर था भी तो वक्त के साथ साथ तो वो ख़त्म हो गया उसे बस आपसे एक शिकायत थी आपने कभी उसे वक्त क्यों नहीं दिया बस इतनी सी शिकायत थी उसे मगर उसकी शिकायत को दूर करने के बजाय आपने अपना आप उससे दूर कर दिया और जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ तो बात यह है कि इतना कुछ सहने के बाद भी उसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई जबरान की आंखों में नमी दर आई चंद लम्हे खामोशी छाई रही कोई कुछ न बोला फायकर को बच्चे की ख्वाहिश है वो उलाज चाहती है उसके लिए अपनी सिगरेट नोशी जैसी बुरी आदत भी तर्क कर दी उसने वो बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर हम डॉक्टर के पास गए कुछ टेस्ट करवाने को कहा डॉक्टर ने और आप जानते हैं हुआ मुझे क्या मालूम हुआ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती फर्स्ट मिस गैरिज के वक्त वो अपनी माँ बनने की सलाहियत खो चुकी थी ये ख़बर मुझे उसके एक्स हस्बैंड ने दी मैंने उस शख्स पर यकीन ना किया कुछ बैदना था कि वो झूठा होता बाद में उसकी सालगिरह वाले दिन रिपोर्ट्स मिली मुझे उसमें भी यही आया मुझे फिर तसली नहीं हुई उसकी डॉक्टर से खुद पर्सनली मिलने गया लैब से मालूम करवाया सबका जवाब एक ही था अब उसे यह खबर देनी है मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी कैसे बताऊंगा उसे और क्या बताऊंगा उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सबसे बड़ी खुशी थी ये वो तो यहाँ से भी खाली हाथ रह गई ना माँ बाप का प्यार ना औलाद की खुशी कुछ नहीं मिला उसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे मगर क्या सिर्फ मेरी मोहब्बत इस खालीपन को भर देगी मैं क्या करूँ अब सर तो हाथों में गिरा वो बेबसी से बोला आप आगा है इस सच्चे उसने दोनों मियाँ बीवी से सवाल किया दोनों के सर नफ़ी मिले हाँ आगाही आती भी कैसे आप तो उसको हस्पताल में देखने तक नहीं गए थे बस डिस्चार्ज करवा कर ले आए उसके डॉक्टर से कोई सवाल जवाब किए बिना किस किस्म के बाप हैं आप जबरान का जी चाह वो चिल्ला उठे कुछ गिरने की आवाज़ पर सर उठाए दरवाजे की जानब देखा सामने खड़ी हाइका को देखकर वो चौंक कर उठा हाइका उसके लब हिले हाइका के हाथ में मौजूद फाइल ज़मीन पर जा गिरी थी कदम ज़मीन पर जम गए थे गले में उभरती गिल्टी मादूम हुई हाइका मैं माँ ही बन सकती कभी भी नहीं हाइका के लब हिले होंठों पर तलख मुस्कुराहट डर आई हाई लब कुचले उसने कदम पीछे को उठाया हाइका लिसन टू मी सुनने को कुछ बचा ही कहाँ जिब्रान? वो हंसी मगर इससे भी मौजूद दर्द वहां मौजूद हर नफ्स में महसूस किया तेज़ी से फाइल उठाए वो उल्टे कदम बाहर को भागी हायका जिब्रान उसके पीछे लपका अब आपकी बीवी को कौन सा दौरा पड़ गया सायरा उसे यूं तेज़ी से भागते देख मुंह बनाए बोली थी अपनी ज़बान को लगाम डालना सीख लो सारा वरना कार डालूंगा उसे उंगली दिखाए जिब्रान तेज़ी से हाइका के पीछे भागा था हाइका हाइका बात सुनो मेरी रुको घर में उसके पीछे पीछे दाखिल हुए जिब्रान उसका रास्ता रोक चुका था बच्चे सो चुके हैं जिब्रान शोर की आवाज़ से उठ जाएंगे इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती मैं प्लीज़ नगाहें चुराए हाय का बोली का प्लीज़ जिब्रान इस पर कल बात करेंगे उसकी रंदी की आवाज़ महसूस की जिब्रान ने ना चाहते हुए भी सरस बात में हिला दिया था तुम कहाँ जा रही हो उसे गेस्ट रूम की जानी बढ़ते देख जिब्रान ने उसकी कलाई थामी थी आज की रात अकेले रहना चाहती हूँ उसका हाथ अपनी कलाई से आया वो जवाब देती गेस्ट रूम में बंद हो गई थी लब कुचले बालों में हाथ फेरे जिब्रान ने अपने कमरे की जानी बढ़ा ली थी वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था अगर जानता था वो ये वक्त अकेले रहकर गुजारना चाहती थी दरवाज़ा बंद किए बेड बैट पर बैठे वो फूट फूट कर रो देते सबसे मजबूत हाइका स्ट्रॉन्ग गर्ल एक लम्हे में तमाम बहादरी हवा हुई थी उसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था एकदम दिल में तलब जागे साइड ड्रॉ से सिगरेट की वो डिब्बी निकाली जो वो यहाँ कभी छुपा चुकी थी सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए अपने अंदर का गम करने कम करने की हद दर्जा कोशिश की थी उसने वो रात हाइका की गुजरी रातों में से एक भारी रात थी अगर वो पूरी रात उसने जाग कर गुजारी थी तो नींद ज़िब्रान की आंखों से भी कोसों दूर थी घड़ी पर निगाहें जुमाय उसे सुबह होने का इंतज़ार था बॉल क्लॉक पर निगाह डाले गहरी सांस ख़ारिज किए जिब्रान ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खटखटाया था मगर कोई जवाब नहीं मिला था उसे मोइज और आदम दोनों ने हाइका की गैर मौजूदगी को महसूस किया था नाश्ते की मेज़ पर जिब्रान दोनों बच्चों को बहला फुसला चुका था मोइज को स्कूल भेजे वो आदम नसरीन के हवाले किए अब यहाँ मौजूद था एक बार दो बार लगातार कई बार उसने दरवाजा खटखटाया मगर हाइका हाइका दरवाज़ा खोलो मैं हूँ जिब्रान जिब्रान ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया मगर जवाब न मिलने पर उसके माथे पर बल दर आए साथ ही साथ परेशानी भी लायक हुई मास्टर किस दरवाज़ा खोल दे वो कमरे में दाखिल हुआ तो सिगरेट के धुएं ने उसे खुश आमदीद कहा जिब्रान को तेज़ खांसी नान घेरा नाक पर हाथ रखे उसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की थी पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था हाइका उसकी निगाहों ने हाइकों को तलाशना चाहा जो बैठ के दूसरी जानब ज़मीन पर बैठी उसे नजर आई जिब्रान तेज़ी से उसकी जानब बढ़ा पैरों आती अद जली सिगरेट देख उसकी आंखों में कर्प डर आया वो हाइक के बिल्कुल सामने जा बैठा जिब्रान ने अपना हाथ आगे किया उसके कंधे पर रखा सर उठाए आयका ने उसे देखा जिब्रान की आंखें फैली थी उसने ख्वाफ से हाइका की सुर्खारा निगाहों को देखा वो पूरी रात नहीं सोई थी हाइका जिब्रान ने उसकी आंखों के नीचे हाथ रखा हाइका की आंखें फिर से भीग गई जिब्रान के सीने लगे वो फूट फूट कर रो दी थी उसे खुद में भेजे जिब्रान ने उसके बालों में हाथ फेरा था साथ ही साथ खुद को सलवाते भी सुनना डाले क्या जरूरत थी उसे आयका को अकेला छोड़ने की अपनी जानब से जिब्रान ने उसे वक्त देना का चाहा सोचा मगर ये सोच उल्टी पड़ गई थी नहीं खाला अम्मी कुछ खा भी नहीं रही वो ना कमरे से बाहर निकल रही है आप प्लीज़ आ जाएं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही लाउज में यहाँ से वहाँ टहलते वो तायरा बेगम से बोला था बेबसी उसके चेहरे से आया थे सारी गलती मेरी है मुझे उसे यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था एक नंबर का डफर हूँ मैं जबरान एक बार फिर खुद को कोसा था अब बस बेचैनी से इंतज़ार था तो तायरा बेगम का जिन्हें कॉल किए वो जल्द अज जल्द आने की ताकीद कर चुका था अभी भी परेशान निगाहें कमरे की जानेब उठती एक बार फिर हिम्मत की वो नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ था बेड बैट पर बैठी हाइक किसी और ही जहाँ को पहुंची हुई थी खाने की प्लेट हाथ में था मैं जबरान उसके बराबर जा बैठा था हाइका खाना खा लो खुद लुकमा बनाए उसके लबों के करीब किया मुझे भूख नहीं वो मुंह दूसरी जाने मोड़े धीमी आवाज़ में बोली प्लीज़ हाइका थोड़ा सा खा लो हाइका का सर नफे मेला हाइका बस थोड़ा सा कहा ना भूख नहीं है क्यों सर पर सवार हो मेरे दफा हो जाओ यहाँ से झटके से प्लेट को हाथ मारे वो चिलाए जबकि प्लेट जमीन बोस हो चुकी थी हाइका शजदर निगाहों से जबरान उसे देखा जिसकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे जाओ वो इस कदर जोर से चिले के घर में दाखिल होती तारा बेगम ठटकी थी उसकी आवाज़ पर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाया वो तेज़ी से गेस्ट रूम में दाखिल हुई नज़र बेड पर मौजूद कोले खाते हाइका के वजूद पर पड़ी और साथ ही पास जिब्रान को खड़े पाया जिन आँख आंक, जिस आँखों में ना चाहते वो भी शिकवा दर आया था ज़िब्रान तारा बेगम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तुम जाओ बाहर इशारे से उसे बाहर जाने का कहा जिस पर बददिली से सारी लाए वो जा चुका था तारा बेगम अब जिब्रान की जगह पर बैठ चुकी थी हाइक ये सब क्या है और ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी तायरा बेगम ने आराम प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा था आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरी हालत पर हंसने आई हैं घुटनों पर से सर उठा उसने सरदार निगाहों से उन्हें देखा ऐसा कुछ नहीं आएगा उन्होंने नरमी से उसके इल्ज़ाम की नफ़ी की तो फिर यहाँ आने की वजह हमदर्दी जताने आई हैं अफसोस करने आई हैं मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं उसकी बदगुबानी अरूज पर थी ऐसा नहीं है आयका तो फिर कैसा है क्यों आई है आप यहाँ मैं ऊंची आवाज़ में चलाई थी यह पहली बार था कि आयका की आवाज़ उनके सामने ऊंची हुई थी तहरा बेगम को तकलीफ हुई थी उसके लहजे से मगर वो जानती थी कि उसका गम कम ना था ये वक्त हो इसे काम लिए उसे संभालने का था फिक्र मत करो तुम पर हंसने नहीं आई हो मैं जानती हूँ आयका तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा था मगर इसके नेमुल बदल पर भी तो निगाह डालो वो नरमी से बोली नेमुल बदल कैसा नेमुल बदल वजियत बड़ी हंसी हंसी मोइज़ और आदम हाय का तुम माँ नहीं बन सकती तो देखो अल्लाह ने तुम्हारे खालीपन को दूर कर दिया तो मासूम फूल तुम्हें दे दिए तुम उनकी माँ हो उनकी बात सुने हायका हंसी हंसते हंसते उसकी भीग भीग गई जिनमें से दोबारा आंसू बह निकले नहीं सुनना मुझे किसी और के बच्चों की माँ मुझे अपना बच्चा चाहिए उस तो पाट लाइज में बोली हाय तारा बेगम को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी क्या हाइका सच बोल रही हूँ नहीं बनना मुझे किसी और की औरत के वजूद से पैदा हुए बच्चों की माँ मुझे मेरी औलाद चाहिए उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था तहरा बेगम समझ चुकी थी वो किसी के नहीं तुम्हारे बच्चे हैं हाइका माँ बुलाते हैं तुम्हें तो क्या माँ बुला देने से मैं उनकी माँ बन जाऊंगी कभी नहीं और क्या मालूम कल को वो मुझे छोड़ दें जैसे बाकी सब ने छोड़ दिया अगर मेरी अपनी औलाद होती तो कम से कम मुझे इस बात का डर या खौफ तो ना होता वो डरती थी खौफ खाती थी कि वो दोनों भी उसे छोड़ देंगे जैसे बाकी सब ने छोड़ दिया तारा बेगम को उस पर तरस आया था और अर्सा ममीन पर गुस्सा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हाइका बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे देखा नहीं कैसे लड़ते रहते हैं हर वक्त तुम्हारे लिए वो मुस्कुराई बच्चे हैं ना नादान हैं सगे और सुतेले के बीच का फ़र्क नहीं जानते जब बड़े होंगे मुआरह उन्हें कदम कदम पर याद दिलाएगा कि मैं उनकी सगी माँ नहीं तो ख़ुद ब खुद छोड़ देंगे मुझे एक डर था जो उसके दिल में कुंडली मार कर बैठ चुका था ऐसा कुछ नहीं होगा आयका ऐसा ही होगा मुझे मालूम है मैं हूँ ही मनहूस जिसके सगे बाप ने उसे छोड़ दिया जिसकी मोहब्बत ने उसे दर बदर कर दिया उसे सुतेले रिश्ते क्या खाक अपनाएंगे कभी नहीं वो दोबारा से उनकी जानब से बद्दिल हो रही थी ताहरा बेगम ऐसा कुछ नहीं जाती थी बहुत मुश्किल से आयका को वो खुशियाँ मिल पाई थी जिनकी वो हकदार थी मगर यूँ अचानक सब दोबारा से बिगड़ जाएगा ये ना सोचा था उन्होंने वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे आयका वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे छूट छूट बोल रही हैं आप कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे कोई भी नहीं यदम उसने अपने चेहरे को थपड़ों से पीटना शुरू कर दिया हाइका हाइका ये क्या कर रही हो जिब्रान इस हालत गैर होते देख मुझ चिल्लाई जिब्रान जो किचन में मौजूद आदम को संभालने की कोशिश कर रहा था जिसका बस एक मकसद था हाइका के पास जाना तायरा बेगम के पुकार सुनता वो तेज़ी से आदम को बाहों में लिए कमरे में दाखिल हुआ था हाइका उसकी हालत देखकर जिब्रान की आंखें फैली थीं तैरा बेगम ने बेबसी से देखा समझने की कोशिश करो आयका ये सब अल्लाह की रज़ा है भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप भूल जाती बताइए मुझे अगर आप मेरी जगह होती तो अल्लाह की रजा समझ कर भूल जाती सब कुछ क्या आपके दिल में कभी माँ बनने की ख्वाहिश ना जागती क्या आप मान लेती मुझे अपनी लान अगर सारा और सैम ना होते तो कभी शिकवा ना करती आप तारा बेगम को चुप लग गई हाँ ये सच था कि वो आयका को अपना लेती मगर सारा और सैम के बिना ज़िंदगी ये तस्वूर कितना जानलेवा था क्या हुआ अब खामोश क्यों हो गई आप नहीं रह सकती ना आप आपके लिए कहना आसान है कि अल्लाह की रजा समझ कर भूल जाऊं क्योंकि आपके पास आपकी औलाद है मगर मैं मैं खाली हाथ हूँ मैं नहीं समझ सकती और ना समझना चाहती हूँ सर दोबारा घुटनों में दिए वो रोना शुरू हो गई थी मैं घर आ गया मामा घर में दाखिल होते ही मोइज मुस्कुरा कर ऊँची आवाज़ में चिल्लाया था मगर कोई जवाब न मिलने पर उसके माथे पर बल पड़े नसरीन आंटी सब कहाँ हैं उसने नसरीन से पूछा क्योंकि उसे हाइक और आदम दोनों नज़र नहीं आए थे वो नसरी ने गेस्ट रूम की जानब देखा तो मोइज भी उसी जानब देखा गेस्ट रूम की जानेब बढ़ चुका था मगर अंदर दाखिल होते उसे हैरत का झटका लगा मामा बैग वहीं ज़मीन पर रखे वो तेज़ी से बेड पर चढ़ता हाइका के पास जा बैठा था क्या हुआ मामा किसी ने कुछ कहा है क्या क्यों रो रही हैं आप क्या पापा ने कुछ कहा है हाइका ने यूँ ही सर घुटनों में दिए नफी में सर हिलाए तो आदम ने तंग किया है मोइज ने गुस्से से आदम को देखा जो अपने सर लगे इल्जाम पर भॉन्गचा रह गया था हायका का सर फिर से नफी मिला तो क्या हुआ है मामा बताइए ना मुझे रोयो तो मत मोइज़ ने उसे गले लगाया था ताया बेगम पर निगाह पड़ते उसका दिमाग चला उसने हायका को दोबारा से मुखातिब किया मामा नाना अबू ने डांटा है सारा खाला ये सैम मामू ने बदतमीजी की है हायका का सर फिर से नफ़ी मिलते देख कर मोइज को फिक्र लाक हुई बताइए ना मामा क्या हुआ है रोए तो मत मोज की अपनी आवाज़ भीग गई थी हाइका कोरोना उसे रुला रहा था मामा हाइका के गले में बाहों का हार बनाए वो रो दिया था हाइका सख्ती से उसे खुद में भेनचे रो दी थी आदम जिब्रान की गिरफ्त में फड़फड़ा उठा था जिब्रान हार मानते उसे बेड पर बिठा चुका था आदम तेजी से हाइका की जाने बढ़ा था एक दो बार हाथ लगाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था मगर हाइका ने गौर ना किया मम्मा यकदम सब ने चौंक कर आदम को देखा हाइका की आंखें फैली मोहित से दूर हुए उसने आदम को हैरानगी से देखा जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रहा था आदम उसके लब हिले मामा वो हाइका के गले लग चुका था हाइका अपनी जगह पर जम सी गई थी मामा मामा आदम बस मामा की गरदान किए जा रहा था मामा क्यों रो रही हैं बताइए ना तुम दोनों छोड़ दोगे ना मुझे हाइका रोते हुए बोली तो मोइज ने परेशानी से उसे देखा ये आपको किसने कहा मुझे मालूम है मैं तुम दोनों की सगी मामा नहीं हूँ छोड़ दोगे मुझे तुम दोनों हाइका कलाजा जिद्दी बचो जैसा था आप हमारी मामा हैं हम क्यों छोड़ेंगे आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे मई की पकड़ हाइका पर मजबूत हो गई थी आदम भी मामा मामा की गर्दान पड़ता सख्ती से थाम चुका था तायरा बेगम ने जिब्रान को अपने पीछे बाहर आने का इशारा किया था सरे लाए वो उनके पीछे ही बाहर निकल चुका था इस वक्त वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है जिब्रान काफ़ी मनफी मनफी सोच सोच चुकी है उसकी बेहतर यही होगा अगर तुम साय की तरह उसके साथ रहो एक लम्ह एक पल को भी उससे गाफिल मत होना उन्होंने जिब्रान को हदायत दी अब मैं चलती हूँ खाला में कहाँ जा रही हूँ आप खाना खा कर जाइएगा जिब्रान ने उन्हें जिब रोका मेरा जाना ज़रूरी है जिब्रान किसी घामड़ की अक़ल ठिकाने पर लगानी सोच में अरसा ममीन को लाए वो बोली मुनासिब जिब्रान भी शायद उनकी सोच तक पहुंच चुका था तभी उन्हें जाने दिया दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो चुकी थी मगर जिब्रान दोबारा कमरे में नहीं आया था बच्चे दोनों हाइका के पास मौजूद थे आदम की जबान से लफ्ज़ मामा किसी सूरत थमने को तैयार नहीं था दिल का गुबार हल्का हुआ तो हाइका को अपने इस्तेमाल किए गए सख्त लफ्ज़ों का एहसास हुआ ऊपर से जिब्रान की घर मौजूदगी तो क्या वो सब सुन चुका था निगाहें भटक भटक कर दरवाज़ों पर जा रही थी नसीरीन उन्हें आकर दोनों टाइम का खाना दे चुकी थी मगर जिब्रान एक बार भी नहीं आया था जल्दी दोनों बच्चे थकान की वजह से वहीं सो गए थे एहतियात से लहाफ उड़ाए आयका कमरे से बाहर निकली थी पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था आयक़ा पूरे घर का चक्कर लगा चुकी थी मगर जिब्रान उसे कहीं नहीं मिला था अब बस लोन बचा था वो दबे पाऊँ बाहर निकली तो उसे सीढ़ियों पर जिब्रान बैठा नजर आया जो अपनी सोचों के महवर में गुम था हाइका खमोशी से उसके पास जा बैठी थी ज़िब्रान ने चौंक कर उसे देखा और हल्की से मुस्कुराहट से नवाजे दोबारा मुंह सीधा कर लिया नाराज़ हो हाइक ने चल लम्बों की खमोशी के बाद सवाल किया हूँ ज़िब्रान चौंक कर सर नफ़ी में लाया मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो और होना बनता भी है मैंने बात ही ऐसी की थी शर्मिंदगी से उसने दोनों हाथ मसले ऐसी बात नहीं है हाइक ने उसकी नफ़ी की नाराज़ नहीं हूँ तुमसे बस उदास हूँ उदास हूँ कि मेरी बीवी की एक ख्वाहिश है जो ज़िंदगी से बढ़कर है मगर मैं वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता जिब्रान के लहजे में बेबसी नुमाया थी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं जिब्रान तुम उदास मत हो हाइका ने उसके सर कंधे पर सर रखा जिब्रान हाइका के कंधे पर हाथ रख के उसे करीब कर चुका था गलती तो तुम्हारी भी नहीं आई का फिर क्यों खुद को अजियत दे रही हो मत करो ऐसा तुम खुद को नहीं बल्कि मुझे और इन दोनों को तकलीफ दे रही हो जिन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे जिबरान की बात पर उसकी आंखें एक बार फिर भीग गई तुम्हें क्या हो गया है का क्यों इतनी कमज़ोर बनती जा रही हो जिस हाइका को मैं जानता था वो तो बहुत मजबूत थी वो हाइका कहाँ खो गई है हाइका कभी मजबूत नहीं थी जिबरान वो सब तो बस नज़र का धोखा था हाइका हमेशा से ऐसी थी कमज़ोर लाचार बेबस मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा हाइका तुम्हें मजबूत बनना होगा अपने लिए मेरे लिए हमारे लिए फिर चाहे तुम्हें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े चिबरान का लहजा मजबूत था हाइका ने कोई जवाब ना दिया चंद पर मजीद खामोशी के गुजरे थे हवा में खनकी बढ़ गई थी अंदर चलते हैं बीमार पड़ जाओगी तुम चिपरान कहकर उठने को था जब हाइका ने उसका हाथ थामा मोइजे और आदम मेरे बेटे हैं जिबरान मैं मैं उनकी मामा हूँ वो मेरे बेटे हैं कभी मत सोचना कि वो मेरी औलाद नहीं हाइका वो मेरे बेटे हैं ज़बरान मगर फिर भी मेरा दिल मेरा दिल ख्वाहिश करता है ज़बरान कि मेरी भी औलाद हो जो मेरे वजूद से इस दुनिया में आए क्या यह ख्वाहिश करना गलत है ज़बरान क्या ये ख्वाहिश गलत है क्या मैं बुरी बन जाती हूँ ज़बरान नहीं ये गलत नहीं है तुम तो मानते हो ना कि वो दोनों मेरे बेटे हैं जबरान ने सरस बात मिला है मुझसे बदगुमान मत होना ज़बरान जो भी कहा वो झूठ था वो मेरी औलाद है मेरे बच्चे बस बस ये ख्वाहिश है ज़बरान रिलैक्स तुम मुझसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता हाइका उसके माथे पर लब रखे जिबरान ने उसे संभाला था मुझसे बदगुमान मत होना जब के सीने में छर सर छुपाए वो दोबारा बोली थी दिन पर लगाए तेज़ी से गुजर रहे थे हाइकअप नॉर्मल थी या अदाकारी कर रही थी कुछ कहा नहीं जा सकता था उसके मन में क्या चल रहा था उसने किसी पर भी आया नहीं किया था मगर इन सब में एक अच्छी बात थी उसकी बॉन्डिंग जो बच्चों से दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी यूं जैसे उसकी ज़िंदगी में उनके अलावा किसी चौथे की कोई गुंजाइश ना हो आयक अपनी एक दुनिया बसा चुकी थी जिसकी रसाई बस जिब्रान और उसके बेटों को थी आज कहीं दिनों बाद उसका अपने ऑफ़िस आना हुआ था और काम हद से ज़्यादा फाइल पर झुकी आस पास की दुनिया से बेखबर मोबाइल पर बजती बैल उसे होश की दुनिया में लाई बिना नंबर देखे उसने कॉल अटेंड किए मोबाइल कान से लगाया था हेलो मिसिज़ जिब्रान दूसरी जानब से किसी औरत की आवाज़ सुनकर चौंकी यस न जाने आगे से क्या कहा गया कि उसी वक्त अपना काम छोड़े वो ऑफिस से बाहर निकली थी उसे यूं तेज़ी से जाते देखकर वानिया ने सरनफी मिलाया जब से उसकी मैम की शादी हुई थी वो कभी नॉर्मल अंदाज़ में वापस नहीं गई थी अब भी वानिया को यकीन था कि हाइका वापस नहीं आई आने वाली कार स्कूल के बाहर पार्क किए वो बैग कंधे पर लटकाए तीन कदम उठाती प्रिंसिपल के ऑफिस की जानी बढ़ी थी अंदर दाखिल होते हुए जो मंजर उसने देखा वो उसका दिल चीर देने को काफ़ी था वो इसका माथे पर पट्टी की गई थी जबकि पूरे चेहरे पर अभी भी खून के निशान मौजूद थे एक साथ ही एक दूसरा बच्चा भी मौजूद था जिसके माथे के साथ साथ बाज़ू पर भी गहरी चोट आई थी हाइक बेताबी से मोइज़ की जानब लपकी थी मोइज मेरी जान ये सब कैसे किसने किया उसने मोइज को बाहों में भरा तब से मजबूती दिखा था मोइज अब रो दिया था और ऐसा रोया कि चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा था पंद्रह बीस मिनट लगाकर हाइका ने उसे बुलाया था ये सब क्या है मोइज को सीने से लगाया उसने सवालिया निगाहों से प्रिंसिपल को देखा जिन्होंने गला साफ़ किए बात शुरू की थी बेहतर होगा यह सवाल आप अपने बेटे से करें मोइज ने मामूली जड़प की बिना पर अर्श को धक्का दिया और देखिए उसे कितनी चोट लगी है प्रिंसिपल ने दूसरे बच्चे की जानब इशारा किया जिसको वाकई बहुत चोट लगी थी मोइज़ हाइकर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा यह सब अर्श ने शुरू किया मामा मैंने जानबूझकर नहीं किया अर्श रोज़ मुझे मारता था आज भी मारने लगा मैंने मना किया उसने धक्का दिया फिर मैंने भी धक्का दिया मोइज की बात पर हाइका के चेहरे का रंग लम्हे भर में सुर्ख हुआ था गुस्से वाला सुर मोइज को लगने वाली चोटें उसे याद आई हाइका की आंखों में तैरता गुस्सा देखकर प्रिंसिपल परेशान हुई ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे इल्म होता मोइज डोंट लाए प्रिंसिपल ने उसे घूरा मैं झूठ नहीं बोल रहा मामा मैंने टीचर को भी बताया था और मोइ को टीचर को बुलाइए हाइका कब की बात काटती गसीले लाजे में बोली मिसिज जिब्रान अपनी टीचर को बुलाइए बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी उसने प्रिंसिपल ने गहरी सांस ख़ारिज की मोइज़ की टीचर को बुलवाया था उन्हें अब परेशानी ने आन घेरा अर्श के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे और यहाँ मामला उन्हें ख़राब होता नज़र आ रहा था आई कम इन मैम नाक किए टीचर अंदर दाखिल हुई थी यस मिस जुनैरा यू कैन प्रिंसिपल ने इजाज़त दी यू कॉल मी मैम टीचर ने सवाल किया yeah, मिस जुनैरा क्या आप मोज और अर्श के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में जानती थी प्रिंसिपल के सवाल पर वो थोड़ा घबराई यस मैम बट नथिंग बहुत सीरियस मिस जुनैरा संभल कर बोली नथिंग बहुत सीरियस मेरा बच्चा लहू लुहान हुए रोज़ाना घर आता था और तुम कहती हो नथिंग बहुत सीरियस हाइका गुस्से से चलाती उसकी जान बढ़ी थी मिस जुनैरा ने घबरा कर दो कदम पीछे को लिए थे खाला अर्श ने फ़ौरन जुनैरा का दुपट्टा थामा था हाइका का मुंह खुल गया होंठों पर इस्तजाया मुस्कुराहट डर आई तो ये बात थी उसके लबों पर तो मुस्कुराहट थी मगर आंखों में बेपना गुस्सा देखिए मैम आप गलत समझ रही हैं सुनहरा बुरी तरह फंसी थी हाइका ने तासुरात ने उसे खौफ में मुबला कर दिया था शुरुआत आपके बच्चे ने की थी और बस हाइका का दिमाग घुमा था हाथ उठा और जुनैरा के चेहरे को सलामी दे चुका था प्रिंसिपल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई मिसेस जिब्रान मामा मगर इन दोनों को नज़रअंदाज़ किए वो उसी हाथ से अर्श के चेहरे पर भी सलामी दे चुकी थी ये थप्पड़ तुम्हें और तुम्हारे भांजे दोनों को याद दिलाता रहेगा कि मोइज़ ज़िब्रान कौन है और उसकी माँ कौन है उस जुनहरा को जहरीली निगाहों से देखते बोली और आप प्रिंसिपल साहिबा आप तो तैयार रहिए स्कूल को बंद ना करवाया तो मेरा नाम भी हाइका जिब्रान नहीं प्रिंसिपल ने खौफ से थूक निकला था मिसिज जिब्रान मेरी बात सुनने में लालिम थी मिसिज जिब्रान प्लीज़ लिसन टू मी मिसेज जिब्रान वो उनके पीछे भागी हाइका सब को नज़रअंदाज की मोइ का हाथ था में बाहर निकली जब अंदर आता जुलकर नैन उसे देखकर हैरान हुआ और कंदेज कहाता ऑफिस में दाखिल हुआ प्रिंसिपल भी हाइका को छोड़े अब जुलकर नैन की जाने में उतवजा हुई थी मगर जो सीन जुलकर नैन को देखने को मिला वो उसका पारा बढ़ाने को काफ़ी था जल्दी से ऑफिस से निकलता वो हाइका के पीछे भागा हे यू स्टॉप देयर जुलकर नैन की बात सुनकर भी अनसुनी करती वो मोइज़ का हाथ हमें तेज तेज कदमों से गाड़ी को जानब बढ़ती चली जा रही थी मामा अंकल हमें पुकार रहे हैं उसका हाथ हिलाए मोइज ने मतवज़ो करना चाह उसे इससे पहले वो मोइज़ को जवाब देती जुलकर नैन दौड़ता हुआ उसकी जानब आया और बाज़ू से खींच कर अपनी जानब घुमाया एक झटके से उसने अपना बाजू सुलकर नैन की ग्रिप से निकाला था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को अनसुना करने की वो उस पर भड़का जो बकना है जल्दी बको फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास रेस्ट पॉज पर निगाह दौड़ाई वो बोली सुलकर ने दांत किचकिचाए तुम जानती भी हो जिस बच्चे पर तुमने हाथ उठाया वो कौन है किसका बेटा है वो वो गुस्से से उसके करीब हुआ शक्ल से इंसान और हरकतों से किसी जानवर का लगा मुझे तो उसने मजे से कंधे जका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए ऐसे ज़बान इस्तेमाल करने की ज़ुलकनैन का बस न चला कि सामने खड़ी इस औरत का मुंह तोड़ डाले ओ मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम्हारा खून है क्योंकि ऐसा कुत्ता बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है मजे से अपने नाखून देखे उसने जवाब दिया हाउ डेर यू ज़ुलकनैन का हाथ हवा में बुलंद हुआ जिसे वो बीच रा में ही थाम चुकी थी डर के मारे उसके पीछे छुप था। एक अफसोस निगाह उसने अपने लाश दिलारे पर डाली जिसको उसका बाप अच्छा बनाने के चक्कर में कमजोर बना रहा था हाउ डेयर यूर सन ट्राई टू हार्म माई सन आज तो सिर्फ तुम्हारे उस जानवर को एक थप्पड़ मारा यकीन मानो अगर अगली बार उसने मेरे बेटे को परेशान किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और इस बात का लिहाज नहीं रखूंगी कि उसका बाप कौन है समझे उस सख्त निगाहों से वहन करती वो वो का हाथ था मैं वहाँ से जा चुकी थी जुल्का नैन की शोलाबाज निगाहों ने उसे गाड़ी में बैठते तक घूरा था योर लैंग्वेज वाज डैम फाउल मामा आपने बहुत ख़राब ज़बान इस्तेमाल की मामा मोज़ के लाजे में उसके लिए मायूसी थी ही गॉड बट ही डिज़र्व मोइज को सख्त लफ्ज़ों में तनबीक किए उसने कार स्टार्ट की मामा थक जाएँगी बैठ जाए उसे यहाँ से वहाँ चक्कर काटते देखकर कर मोइज बोला था मगर हाइका नज़रअंदाज़ किए दोबारा चक्कर काटना शुरू हो गई थी तुम्हारे बाप को मालूम था कि वो तुम्हें मारता है हाइका ने बहुत बार कहा गया जुमना दोबारा दुब, दोहराया मोहिज अब बताकर पछताया था जानता था कि अब उसके बाप की खैर नहीं हाइका हाइका जुब्र ने उसका नाम चिल्लाया लाउंज में दाखिल हुआ था हाइका नाम के छोटी किए वहीं लाउंज में मौजूद अपने शहर नामदार को घूरा गुस्से से वो लाउंज में जा पहुंची हाँ कहो क्या मसला है दोनों बाजू सीने पर बांधे वो बोले तुम मोहिज के स्कूल में क्या करके आई हो तुमने जुर्कानैन के बेटे पर हाथ उठाया सुलकर नैन का बेटा मोइस को मारता ये बात तुम जानते थे ना हाइका के सवाल पर जबरान ठटका अपना गुस्सा पल भर में उड़न छूबा हाइका के तासुरात देखकर जुबरान को अपनी जान जाती महसूस हुई वो वो तुम जानते थे ना कि वो बच्चा तुम्हारे बेटे को मारता और तुम खामोश रहे एक कब्रचकाए हाइका ने दोबारा सवाल किया बेगम वो मैं मैं समझाता हूँ ना जबरान खसयानी हंसी हंसे बोला शक्ल गुम कर लो अपनी दिखाना मत मुझे दो तीन दिन तक उंगली उठाए वो अपने कमरे की जाने बढ़ी बेगम बात तो सुने बेगम बेगम जबरान उसके पीछे पीछे कमरे की जाने बढ़ा जिसका दरवाज़ा हाइका उसके मुंह पर बंद कर चुकी थी बेगम जबरान ने बेचारगी से कमरे को दरवाजे को देखा और फिर मोइज को जो उनके पीछे पीछे वहाँ चलाया था ये तो सब तुम्हारी वजह से हुआ है जबरान उसे घूरा मैंने क्या किया है मोइज तो अपने ऊपर लगे इल्जाम पर तड़प उठा मियाँ बीवी में नाराजगी दलवादी शैतान शित कहीं के उसे घर घुता जिब्रान फिर बंद दरवाजे की जाने बढ़ा बेगम बच्चों की तरह पौ ज़मीन पर मारे वो रूहान सा हुआ दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी मगर हाइका जबरा ने जबरान हयात के लिए कमरे का दरवाज़ा न खोला था और अब भी मोज के सरार पर वो खाने के लिए आई थी और जबरान को मुकम्मल नज़रअंदाज़ किया था ज़ब्रान ने बारहा बात करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं अव्वल तो वो उसे सुन नहीं रही और अगर सुन भी लेती तो आदम उसे जवाब न देने देता अब दर्द तो नहीं हो रहा ना मोज के माथे की पट्टी बदले हाइका सवाल किया जिस पर अच्छे बच्चों की तरह उसने सर नफ़ी में मामा आप मेरी वजह से पापा से नाराज़ हैं मोइज ने चेहरे पर मसूमियात से जाए सवाल किया नहीं तो क्यों वो पापा कह रहे थे मैं शैतान हूँ और आप मेरी वजह से उनसे नाराज़ हैं हाइका का पारा फिर से बढ़ा मोइज और आदम को सुलाए वो भाई लाउंज में अपने शौहर के सर पर आग खड़ी हुई बेगम जिब्रान चहका मन तो चाह रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। दाँत पीसे वो गुस्से से बोले बेगम जिब्रान का हाथ दिल को गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शैतान कहने की वो धीमी आवाज़ में घर आई वो वो तो मेरा बेटा चोट लगवाए घर आया और उसका ख्याल करने के बजाय तुमने उस मसूम के दिमाग में शैतान ले जायसा लफ्ज डाल दिया यू नो वट अब दो नहीं बल्कि पूरा हफ्ता अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना और ना ही कमरे में आना गेट्स रूम में सो तुम वो गु़स्से से बोलती अपने कमरे की जानब चलती थी जिब्रान फिर उसे मनाने को उसके पीछे आया और एक बार फिर अपने मुँह पर दरवाजे को बंद पाया इस गेस्ट रूम को तो आग लगा दूंगा मैं खुद से बोलता वो एक बेचारगी वाली निगाह अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डालता झुके कंधों समेत गेस्ट रूम की जानब बढ़ गया था एक माह बाद एक हफ्ते की सज़ा ख़त्म हो गई थी जिब्रान हयात को माफ़ी मिल चुकी थी और अब उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो गई थी वो इसका स्कूल हाइका बदवा चुकी थी वो तो उसके पुराने स्कूल पर केस करना चाहती थी मगर ने बाप मुश्किल उसे रोका था कुछ दिनों से एक अजीब भोजलपन उसकी तबीयत में डर आई थी हाइका ना चाहते हुए भी वो सोच रही थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी आज सुबह से उसे वामटिंग हुए जा रही थी शक की बुनियाद पर वो फार्मेसी जा पहुँचे और अपनी मतलूबा शय हासिल किए घर वापस आई थी अब बस उसे इंतज़ार था तो नतीजे का नतीजा आ चुका था हाइका की आंखें फैल चुकी थी पहले शौक और फिर गुस्सा डर आया वाशरूम से निकलती वो बेड पर मजे से सोए जिब्रान हयात के सर पर जा पहुंची थी जिब्रान हयात को क्या हुआ हाइका के चलाने पर वो तेज़ी से उठ बैठा था क्या है ये हाइका ने अपने हाथ में मौजूद स्ट्रिप की जानब इशारा किया था क्या है वो मैं अच्छा उसने हैरानगी से सवाल किया तुमने तो कहा था मैं माँ नहीं बन सकती तो ये क्या है उसकी बात का मतलब समझे जिब्रान ने उसके हाथ से स्ट्रिप खींची मोजा खसी हंसी हंसी वो बोला दोनों हाथ कमर पर टिकाए हाइका ने आंखें मजीद छोटी की ओर से घूरा हम गायनी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी वो उसे हुक्म दिए खुद कमरे से निकल चुकी थी इस वक्त वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे सवालिया निगाहों से उसे घूर रहे थे जिसने गहरी सांस ख़ारिज के सर नफ़ी में था मिस्टर जबरान आपने क्या रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं थी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मिसिज हाइका के मदर बनने के चांसेस कम है ये नहीं कि वो माँ नहीं बन सकती डॉक्टर की बात सुनते हाइक ने जबरान को घसीली निगाहों से घूरा जो थूक निकलता नजरें चुरा रहा था डॉक्टर ने उसके शक की तस्दीक कर दी थी वो प्रेग्नेंट थी जबरान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मगर हाइका की मसलसल घुड़ियों पर बचा कर भी ये खुशी मना नहीं पा रहा था बेगम यकीन करो मेरी कोई गलती नहीं वो तो जुलकर ने ऐसा कहा और फिर रिपोर्ट भी चुबरान उसकी मनते करता उसके पीछे पीछे बाहर चलाया मगर उसकी एक ना सुनती वो गाड़ी लिए वहाँ से जा चुकी थी यार अब तो वो उगता गया था इस औरत के मूड स्विंग से अब उसे गुस्सा आने लगा था और किसी पर निकालना भी था मगर कौन आह अपने मुंह पर हाथ रख के सुल कर मुक्के की शिद्दत को सह नहीं पाया था क्या हरकत है यह चुबरान ने उसी के ऑफ़िस में आकर उसे मारा था तुम घटिया इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की जिब्रान उस पर भड़का था मैंने क्या झूठ बोला है जुल्कर नैन हैरान हुआ तुमने बकवास की थी कि हाइका माँ नहीं बन सकती तो फिर वो कैसे कहते कहते वे रुका वो कैसे जुलकर नैन गाल पर हाथ हट के सवाल किया कुछ नहीं छिबरान अपनी खुशी से शेयर नहीं करना चाहता था वो नहीं चाहता था कि उसकी खुशियों की इस हासिल की नज़र लग जाए तो फिर यह कि उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ क्यों नहीं आया रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है छिबरान ने चाँद बूझ कर बात बदली मैंने कोई झूठ नहीं बोला सच बताया था मुझे डॉक्टर ने यही बताया था जुलकर नैन ने पल जवाब दिया अगर तुम्हारी ये बात भी झूठ निकली ना तो देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ जबरान उसे उंगली दिखाता वहां से जा चुका था अजीब पागलों का ख़ानदान है ये जुलकर ने, ने दांत पीसे थे हाँ उस दिन वो रिसेप्शन पर गया ज़रूर था मगर हाइका की रिपोर्ट बदलवाने नहीं जुलकर नैन से होता वह हाइका के पुराने डॉक्टर के पास गया था जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि जुलकर ने झूठ नहीं बोला था मिस कैरेज के वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि डॉक्टर के नज़दीक हाइका के दोबारा से माँ बनना वाकई एक मोजा था अस्पताल से बाहर निकले जबरान ने अपनी किस्मत और आंखों दोनों को कोसा था जुलकर के कहे जुमले ने इतना असर दिखाया था कि उसने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा नहीं और अब अपनी बेगम को नाराज कर चुका था वो हर बार की तरह यार मैं ही क्यों फंसता हूँ हर बार अस्पताल के बाहर मौजूद बेंच पर बैठे उसने एक बार फिर खुद को कोसा था शादी शुदा हो अकब से एक अनजान आवाज़ आई जबरान ने निगाहें उठाई उस आदमी को देखा जिसके हालात भी उसी की तरह नासाज थे जी मगर आपको कैसे पता चला जवाब दिया जबरान ने हैरानगी से सवाल किया क्योंकि मैं भी हूँ गहरी सांस ख़ारिज किया उसने धीमी मुस्कान लबों पर सजाए जवाब दिया दाइम उसने अपना तारुफ करवाया जबरान जिबरान भी फौरन बोला बुरा न मानो तो वजह जान सकता हूँ इशारा जबरान की हालत की जानब था बीवी को नाराज़ कर बैठा हूँ जबरान ने मुंह बनाया जवाब दिया तो मना लो दाइम ने कंधे जुआ कैसे उसने मुंह बनाया दाइम ने मुस्कुराकर उसे मनाने का तरीका बताया जिब्रान ने सर नफ़ी में लाया वो ऐसे कभी नहीं मानेगी मेरी वाली कुछ अलग है बल्कि सबसे अलग है बहुत अलग जिब्रान ने कंदेज कहा ट्रस्ट में ब्रो ये लड़कियां जितनी मर्जी अलग हो मगर यहाँ आकर पिघल ही जाती हैं और फिर भाभी चाहे जितनी मर्ज़ी अलग हो मगर मेरी बीवी का मुक, मुकाबला नहीं कर सकती मोहंस दिया हूँ या अल्लाह यहाँ हैं आप और मैं पागलों की तरह पूरा अस्पताल छान चुकी थी टाइम के सर पर आई वो गुस्से से भड़की तुम्हें टाइम था रुख नूर और फिर मैं वहाँ खड़ा रहकर क्या करता टाइम ने मज़े से कंधे जुकाए तो जो मुझे पूरा हस्पताल घुमाया उसका क्या दोनों बाजू कमर पर टिकाए सवाल किया तो तुम मुझे कॉल कर लेती टाइम ने एक एब्रोच गाय अपना मोबाइल चेक कीजिए लैक्चरार साहब रुख नूर ने मोबाइल की जानब इशारा किया टाइम ने फ़ॉरन पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला था जहाँ छः सात मिस कॉल्स आई हुई थी वो ताइम ने मुस्कुराहट दबाए माजरत की रुख नूर का सर गुस्से से नफी में हिलाया मुझे तो समझ नहीं आती कि आपको यूनी में लेक्चरार रख किसने लिया हर बार मारा जाने वाला था ना दोबारा मारा था ये तुम हर बार मेरी जॉब को बीच में मत लाया करो नाइम बुरा मना चुका था वो दोनों अब एक दूसरे से बहस करते वहाँ से जा चुके थे जबकि जिब्रान दाइम के दिए गए आइडिये पर गौर कर रहा था शाम को उसकी घर वापसी हुई थी टैक्सी ड्राइवर को किराया दिए वो हाथ में मौजूद गुलाब का बड़ा बूके लिए घर में दाखिल हुआ उसे लॉन में ही हाइका बच्चों के पास बैठी नजर आई थी के पीछे को छिपाए वो चेहरे पर बड़ी मुस्कान से जाता उसके पास चलाया गला खनखारे उसने हाइका को अपनी जानब मतवज़ा करना चाहा मगर हाइका ने शहाना अंदाज में उसे नजरअंदाज किया जिब्रान ने हिम्मत नहीं हारी वैसे भी ये तो अब रोज़ का था उसके पास घुटनों के बल बैठे गुलाब का बुके उसकी गोद में रखे जिब्रान ने उसके दोनों हाथों को थामा था हायकर ने सवालिया निगाहों से उसे घूरा सॉरी जिब्रान ने माफ़ी मांगी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी बेगम माफ़ कर दो ना मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था ना कुछ मासूमियों से आंखें पटपटाया जिब्रान बोला माफ़ कर दो ना अब अपने इस को नाराज़ बतो और फिर अब इतनी बड़ी खुशी मिली उसी की खातिर माफ़ कर दो उसको हाथों की नरमी से सुलाया उसने माफ़ी मांगी थी ठीक है किया माफ़ तुम्हें तो ठीक से बनाना भी नहीं आता नरमी से जवाब दिए आयका ने गुलाब की पत्तियों को छुआ था चिबनान ने दिल में लाख बार दायम का शुक्र अदा किया था आयका की जानब से मिलने वाली खुशखबरी ने उनसे जुड़े रिश्तों में एक फनचाल पैदा कर दिया था ताहिरा बेगम की खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे पूरी ज़िंदगी उससे ख़ार खाने वाले सारा और सैम भी काबू में नहीं आ रहे थे हाइका तो उनके बदलते अंदाज़ पर घूम कर रह गई थी जो रोज़ाना कोई ना कोई बच्चों का सामान लिए उसके घर में आ दमकते आखिरकार गेस्ट रूम भी ख़त्म हो चुका था उसकी जगह आने वाले बेबी का कमरा बना दिया गया था जिसके हक़ में हाइका हरगिज़ नहीं थी मगर सबको खुश देकर वो खामोश रही थी तायरा बेगम की नसीहतें और सारा सैम का केयरिंग अंदाज़ सब कुछ नया और अनोखा था इसके लिए इन सब में भी बस एक इंसान का इंतज़ार था उसे अरसम अमीन का ये नहीं था कि अरसा ममीन का दिल नहीं था उससे मिलने का मगर तायरा बेगम ने जो आईना उन्हें दिखाया था उस पर वो खुद से ही शर्मिंदा थे अब उन्हें एहसास हुआ था कि वाकई सरताज का बदला उन्होंने हाइका से लिया था शर्मिंदगी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था वो उसके पास जाना चाहते थे मगर उसका रद्दमल सोच उनके कदम रुक जाते वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया था और बर आखिर वो वक्त भी आ गया था जिसका उन सबको बेसब्री से इंतज़ार था हाइका जिब्रान ने बेटी को जन्म दिया था कोई और तो नहीं मगर आदम जिब्रान इस नए इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो इस सल्तनत का छोटा और राजा बेटा था मगर अब ये नई मखलूक उसकी जगह ले चुकी थी जिसका इजहार जिब्रान ने उसके मुँह पर नाखुन चबाए कर डाला था बुरी बात आदम वो बहन है तुम हमारी प्यार से उस परी का गाल सुलाए मोहिश ने उससे मना किया जिस पर जिब्रान ने आँखें घुमाई थी मी मामा वो ज़ोर से हाइका को गले लगा चुका था जबकि कातलाना निगाह उस मासूम पर टिकी थी जो बड़े भाई के नाम इस अजूबे से फ़िलहाल अनजान थी सब लोग हाइका से आकर मिल चुके थे मगर उसकी निगाहें दरवाजे पर जमे देख जिब्रान चौंका था क्या हुआ हाइका अलियाना को वापस लटाए जिब्रान ने हाइका से सवाल किया जो लप चबाती सर नफ़ी में हिला चुकी थी है मुझसे शेयर नहीं करोगी जिब्रान ने उसके दोनों हाथों को थामा था डैड नहीं आए सर झुकाए उसका लहजा मदम था जिब्रान ने गहरी सांस खारिज की अब क्या बताता वो तो हर रोज़ आते थे मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने आ पाते अपने किए पर शर्मिंदा थे तुम उनसे मिलना चाहोगी जिब्रान ने के सवाल पर उसने फौरन सर इस बात में लाया मुहब्बत उसके माथे पर लब रखे वो बिना कुछ बोले जा चुका था कमरे से बाहर हाइका ने मुस्कुरा अपनी सोई हुई बेटी को देखा था यूं ही देखते कब उसकी आंख लगी वो जान ना पाए आंख खुली जब नरम हाथ का एहसास अपने सर पर पाया मनी आंखों से पास बैठे हर अमीन को देखा जिनकी आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान थी डैड उसके लबों ने सरगोशी की हाइका न जाने कितने सालों बाद उसने अपने नाम की पुकार में मोहब्बत को पाया था डैड उसकी आंखें झुलमराए अब मजीद नहीं रोना मेरा बच्चा आई एम सॉरी उसे सीने से लगाया वो बोले तो हाइक फूट फूट कर रो दी थी उसके रोने से अलियानिया की भी आंख खुल गई और वो रोना शुरू हो गई थी अरसो अमीन मुस्कुरा कर अलियाना की जानबड़े उसे बाहों में भरे उन्होंने उसे सुलाने की कोशिश की थी ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है मासूम पाक और बहुत प्यारी जानती हो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब तुम इस दुनिया में आई और मैं बदनसीब जिसने उसकी कदर नहीं की डैड आई एम सॉरी मेरी जान मैंने सब खराब कर दिया तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दिया सोई हुई अलिया को दोबारा उसकी जगह पर लिटाए वो उसके पास आ बैठे अपने डैड को माफ़ कर दो अगर आप दोबारा मुझे भूल गए तो हाइका ने अपना शक जाहिर किया नहीं कभी नहीं एक बार ये गलती कर चुका हूँ दोबारा नहीं मुझे दोबारा ख़ुद से मायूस मत कीजिएगा डैड कभी नहीं उन्होंने वादा किया था आज अलियाना का हकीक़ा था और पूरे फंक्शन आदम जबरान का मुंह बना रहा था ख़ुद को मिलने वाली सारी अमिया तब किसी और के हिस्से में जा चुकी थी जो बात आदम ज़बरान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी फंक्शन ख़त्म होते ही सब अपने घरों को जा चुके थे बच्चे भी सो चुके थे हाइका ठंडी हवा हाँ से लुफानदोज होने के लिए घर से के दरवाज़े के सीढ़ियों में बैठ चुकी थी चिबरान कॉफ़ी के दो मग थामे उसके पास आ बैठा था कॉफ़ी मग हाइका की जानब बढ़ाया खुश हो उसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट देख कर जबरान मुस्कुराया था बहुत ज़्यादा सब कितना अच्छा और ठीक हो गया है ना उसने मुस्कुरा कर जबरान से सवाल किया था एक सवाल पूछूँ जिबरान ने इजाज़त चाही हूँ तुम तो अपने डैड से नफरत करती थी ना फिर इतनी आसानी से माफ़ कर दिया नफ़रत नहीं करती थी उनसे बस नाराज़ थी मैं उसने कंधेज कहा मैं ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल मराहल से गुजरी हूँ जिब्रान मैंने हमेशा से एक हैप्पी लाइफ की तमन्ना की थी और अब जब वो मुझे मिलने जा रही तो मैं उसे यूं जाने नहीं दे सकती जिब्रान की आंखें हैरत से फैली थी व्हाट ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे हायका ने हैरानगी से सवाल किया अपनी बीवी की दरिया दिली देख कर हैरान मुझे तो लगा तुम उनसे बदला लेने वालों में से हो जो किसी को नहीं बख्शते जिब्रान हंस दिया अब इतनी बुरी भी नहीं हूँ और किससे बदला लिया मैंने बाकियों का मालूम नहीं मगर कम अज़ कम मुझे कभी नहीं बख्शा तुमने छिपरान के शिकवे पर वो दिल खोर कर अन थी तुम्हारे मामले में चल सकता है तुम तो मेरे अपने हो हाइका की बात पर ना चाहते हुए भी जिब्रान मुस्कुराहट उसके लबों पर मचली वैसे वाकई कभी दिल में बदला लेने का ख्याल नहीं आया किसी से भी नहीं जुलकर नैन से भी नहीं जिब्रान ने जाने क्यों जाने पर मुनहसर था शायद कभी आया हो मगर अब नहीं और जहाँ तक बात रही जुलकर नैन की तो उससे बदला लेने का कोई फ़ायदा वैसे भी उसकी औलाद ही काफ़ी है उसके लिए आखिरी जुमला मुंह में बुढ़बुड़ाई थी वो मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए जिब्रान मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए बस एक फ़ैमिली चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है इर्द गिर्द मौजूद लोगों को नज़रअंदाज़ किए मुझे बस अब अपनी ज़िंदगी में सीधा आगे बढ़ना है उसने कंधे अचकाए सीधा क्यों कभी कभार दाएं बाएं जाने भी देख लेना चाहिए शायद कोई अपना मिल जाए जबरान ने बाएं जाने बैठी हाइक को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था मे मगर मेरे बाएं जाने तो कोई नहीं हाइक ने अपने बाएं जाने देखा तो जबरान का मुंह बन गया एक नंबर की मूड स्पॉइलर हो तुम जबरान बुरा मनाए मना वहां से उठकर जाने लगा मगर हाइक हंस उसका हाथ थामे उसे वापस उसकी जगह बिठा चुकी थी एक नंबर के बच्चे हो तुम उसका गाल खींचती वो उसके कंधे पर अपना सर टिका गई उसकी ज़िंदगी अब पुरसकून थी जो चाहत जिसकी ख्वाहिश को वो पा लिया अब कुछ नहीं चाहिए था जो था वो बहुत था तो कैसा लगा आप लोगों को ये नावल और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा बहुत ज़्यादा पसंद आया मैंने फ़र्स्ट टाइम का खदीजा का ये नावल पढ़ा है इससे पहले मैंने इनका कोई नावल नहीं पढ़ा और मुझे बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा और थैंक्स आर्टिस्टिक वर्ड आपने मुझे ये नावल सजेस्ट किया इसी तरह मुझे अच्छे अच्छे नावल सजेस्ट किया करें जो पहले ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो अगर अवेलेबल होंगे और लोगों ने पढ़े होंगे तो क्या फ़ायदा अकेला मुझे पढ़ने का आप लोगों के साथ पढ़ने और सुनने का मज़ा ही अलग है तो चलिए अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नावल के साथ अल्लाफि